गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपकी जो क्लासेस का शेड्यूल है मैं आपको इस महीने का बता देता हूँ। आपकी एक क्लास आज रात को होनी है 10 से 12 बजे, कल यानी संडे को आपकी 3 क्लासेस है, 10 बजे, 1-1 बजे, 4 बजे, यानी 10 से लेकर 12, 1 से लेकर 3, 4 से लेकर 6 आपकी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद परसों जो कि मंडे होगा, मंडे को आपकी रात को 10 से 12 क्लास होगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा, ट्यूसडे को रात को भी 10 से 12 क्लास होगी। इसके बाद एक क्लास आपकी 30 मार्च को होगी, लेकिन वो बायोलॉजी वाली क्लास है, यानी इस महीने में अगर मैं हिस्ट्री के कोर्स की बात करता हूँ तो ये क्लासेस आपकी बची हैं, एक आज की, 3 कल की, और उसके बाद एक मंडे, और जहां तक मेरा अंदाजा 1 ट्यूसडे की क्लास, ये आपकी जो है क्लासेस चलेंगी। उसके बाद मैं आपसे अगले महीने की शुरुआत में ही जो है मुलाकात करूँगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी, ठीक है? बिल्कुल हो जाएगा निर्माण। आप इस कोर्स के अपडेट सेक्शन में एक आपको PDF मिलेगी, उसके अंदर एक लिंक होगा ज्योग्राफी के कोर्स का, आप उस लिंक वाले कोर्स को फॉलो करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है? कल सुबह क्लास है 10 AM से लेकर 12 PM, 1 PM से 3 PM एंड 4 PM से 6 PM, कल का शेड्यूल ये है आपका, ठीक है? चलो जी, हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं प्रियांशु बेटा, अभी तो एंशिएंट नहीं पढ़ी, मॉडर्न नहीं पढ़ी, अभी तो लेटर मुगल्स नहीं पढ़े। मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, मैं बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाता हूँ, मैं वो मिनी कोर्सेस नहीं लाता हूँ, साल में 6 महीने में एक ही बार कोर्स लाता हूँ और कम से कम 50-60-70 घंटे हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो शॉर्ट कोर्स नहीं है ये बिल्कुल भी, ये डिटेल्ड कोर्स है, ढंग से पढ़ाने वाला कोर्स है, ठीक है? चलो, अभी कम से कम 15 से 20 अप्रैल, मिनिमम ये 20 अप्रैल तक ये कोर्स जाएगा, ठीक है? हो सकता है पूरा अप्रैल भी लग जाए, लेकिन ऐसे तैयार कराऊंगा कि एक बार कर लिया तो बस उसके अलावा प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी एक बार जिंदगी में कर ली काफी। चल चल शुरू करते हैं प्रियांशु, कंटिन्यू। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि देखो प्रियांशु, ऐसा नहीं है कि इस ट्यूसडे के बाद क्लासेस 15 दिन के बाद होगी, सिर्फ ये है कि इसके बाद अप्रैल में क्लास होगी, दैट इज मान लेते हैं 3rd अप्रैल, 4th अप्रैल, इस तरीके, यानी आपको 4-5 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके बाद 15-20 दिन बाद क्लास होगी, ये तो मार्च का बस आपको मैंने अपना प्लान बताया। चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिखिज्म का बेसिक पोर्शन मैंने आपको तैयार करा दिया है और मैं आपको महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 15-20 मिनट में पैक हो जाना चाहिए, ठीक है? विकास, वो क्लास नहीं चल पाएगी, उसके नोट्स मैं आपको क्रिएट करके जो है बाय मंडे कोशिश करके दे दूंगा। कल शाम 6 बजे के बाद मैं वही काम पे लगूंगा, उसके प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के आपके साथ मंडे इवनिंग तक होपफुली वो अपडेट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है? वो क्लास नहीं चल पा रही, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या कर सकते हैं। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह जी जो है, ये आपको मैंने बताया था कि जो उस समय के इलाके थे वो मिसलों में टूटे हुए थे, छोटी छोटी कम्युनिटीज को मिसल कहा जाता था, याद है ना आपको? महाराजा रणजीत सिंह जी का जो बर्थ है वो हुआ था 13 नवंबर 1780 को, कहां पर? गुर्जरवाला में, गुजरानवाला इसे कहते हैं यहाँ पे से, गुजरानवाला, ये आज का पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान मींस ऑब्वियसली टुडे इज पाकिस्तान, 1780 में पाकिस्तान जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? इनके जो फादर हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, उनका नाम था महासिंह, और ये महासिंह जी के एकमात्र बेटे थे, ठीक है जी? ये जो है याद रखेंगे, महासिंह जी लीडर ऑफ सुकर चकिया मिसल, ये नाम याद रखना, पेपर पूछ चुका है, सुकर चकिया या शुक्र चकिया मिसल, और ये जो है रूल्ड, आप ऐसा कह सकते हैं, रूल्ड या वॉज अ लीडर ऑफ गुजरानवाला, वहीं पर इनका जन्म भी हुआ। आशा, नो इशू, लेट इट बी, अभी के लिए जो है हम सॉल्यूशन पे काम करते हैं, उसका कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, अब उस क्लास को भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी, अब उसका कंटेंट मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? मिसल, MISL या फिर MISAL, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? महाराजा रणजीत सिंह जी इज कंसिडर्ड, ठीक है वैभव, मैं सोचता हूं अभी के लिए आप इधर फोकस कीजिए, नमस्ते, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर, नोट कीजिए। कोई आपसे पूछता है सिख एम्पायर किसने बनाया, महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनाया, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, आई होप आप नोट कर चुके हैं सब, आगे चलते हैं। अभी भी मैं महाराजा रणजीत सिंह जी की ही बात कर रहा हूं, वॉज
गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लेट कैसे हो जाते हैं आप? 10 मीन्स 10, 10:10 हो रहे हैं, 10 मिनट लेट है जी। फादर का नाम है महासिंह। लीडर ऑफ सुकर चकिया मिसल, ये पहली स्लाइड है। सुपर चकिया मिसल, शेर ए पंजाब, नमस्ते जी, यानी लायन ऑफ पंजाब। थोड़ा स्पीड में लिखिए और वरना जगह छोड़ दीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। इनकी मिसल का नाम है, इनके इलाके का नाम है अमरेंद्र। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, आप किसी राज्य में रहते हैं, ऐसे इनके इलाके का नाम सुकर चकिया था। मिसल मैं देख रहा हूँ कई लोग कंफ्यूज हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मिसल क्या होता है? सोवरेन स्टेट्स ऑफ सिख कॉन्फेडरेसी। थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। अगर ये सिख एम्पायर है तो ये छोटे छोटे हिस्सों के अंदर टूटा हुआ है, जो कि सबके इंडिपेंडेंट जो है शासक हैं। हर एक इलाके को एक मिसल कहा जाएगा। रानी एक्चुअली नॉट, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट सब जनरली क्या होता है, एक स्टेट के कंट्रोल में होती है, और ये सब जनरली इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। सोवरेन लगाया है, इसका मतलब ये सुकर चकिया मिसल से किसी और मिसल का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आगे चल के महाराजा रणजीत सिंह जी ने सब एरियाज को जो है कंबाइन कर दिया। नोट कर लीजिए फटाफट। महाराजा रणजीत सिंह इज रिलेटेड टू द ब्यूटिफिकेशन ऑफ गुरुद्वारा हरिमंदर साहिब। गुरुद्वारा हरिमंदर साहिब ऑफ अमृतसर। इन्होंने गुरुद्वारा हरिमंदर साहिब जो है, जिसे आज आप गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर गोल्ड की जो लेयर आप देखते हैं वो महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा ही चढ़वाई गई है। ये कई बार आ चुका है वाला सवाल। गुड इवनिंग। कर लिया आपने नोट? करिए करिए, जल्दी करिए। ठीक, अब आपको याद है 1780 में इनका हुआ था जन्म। गुड इवनिंग। 1792 में जो है टुक कंट्रोल ऑफ सुकर चकिया मिसल आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। काफ़ी छोटी एज हो गई उस गद्दी को संभालने के लिए, बट आगे जाके राजा नहीं महाराजा बने। पिछली क्लासेस देख के आइए बिल्कुल जी, पहली क्लास से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, आगे कहानी चलेगी, काफ़ी कुछ होगा, वो क्या है बता दूंगा आपको। 1839 में ही डाइड इन लाहौर। ही डाइड इन लाहौर पाकिस्तान। बिल्कुल स्टबर, बट क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम उस तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे। ये बर्थ वाला डेटा लिखवाया हुआ है सपना, आप शायद थोड़ा लेट आए होंगे। गुड इवनिंग। देखिए एक सजेशन है, बस सिर्फ सजेशन ही है, बाकी आप समझदार हैं। थ्योरी की क्लासेस में कभी भी लेट मत आया करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आपका मन हट जाएगा कोर्स से, मुझसे, और आप सोचेंगे आगे चल के कभी और कुछ पढ़ लेंगे। ये गलती ना करें। आप प्रैक्टिस क्लासेस में लेट आएंगे वो चल जाएगा, बट थ्योरी क्लासेस में लेट आना कुछ वैसा है जैसे मूवी के लिए लेट पहुंचना है। शुरू के 15-20 मिनट मिस हो गए तो मज़ा तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा जितना पहले आके आ जाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंशु। चल आगे चलते।
यहाँ तक सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अब आपसे कोई पूछे 12 साल के, मतलब इनकी एज क्या थी जब इन्होंने कंट्रोल लिया, ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, सिंपल सी बात है। चलो कुछ बढ़िया बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ही मेड लाहौर द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, ही मेड अमृतसर द रिलीजियस कैपिटल। कोई आपसे पूछे रिलीजियस कैपिटल क्या थी तो याद रखेंगे अमृतसर थी, ऑब्वियसली ड्यू टू दिस हरिमंदर साहिब गुरुद्वारा बीइंग देयर। और आपसे कोई पूछे पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी थी या फिर सिर्फ कैपिटल लिख के आ जाए तो आपका आंसर जो है लाहौर होगा। पॉलिटिकल ना भी लिखाओ, सिर्फ कैपिटल लिखाओ तो आपका आंसर लाहौर होगा। करा आपने नोट? ही मेड लाहौर द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, ही मेड अमृतसर द रिलीजियस कैपिटल। आप नोटिस करेंगे मैंने जो लाइंस लिखी है थोड़ा स्मार्टली लिखा है, मैंने इसके आगे ऑफ हिज एम्पायर नहीं लिखा, बिकॉज जब कोई चीज रिलीजियस कैपिटल बनती है तो जनरली वो एम्पायर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती है ना, एम्पायर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल कैपिटल देखी जाती, तो इसलिए मैंने वो चीज नहीं लिखी, बट मेन कीवर्ड रिलीजियस है, रिलीजियस लिखे अमृतसर पे टिक करें, आगे बढ़े आगे चलते। जब ये 16 साल के थे यानी 1796 में, जमन शाह अटैक्ड पंजाब। जमन शाह जो थे ये थे अहमद शाह अब्दाली, मराठा वाले के उत्तराधिकारी, ठीक है, और ये थे अफगानिस्तान से, और पंजाब की तरफ से थे महाराजा रंजीत सिंह। माना जाता है इसी इस अटैक से पहले ये जो लाहौर वाला इलाका था ये अफगानों के कंट्रोल में था, ठीक है, ये जो है अफगानों के कंट्रोल में था। जब जमन शाह पंजाब पे अटैक करते हैं तो महाराजा रंजीत सिंह जी बदले में इन्हीं को हरा देते हैं, डिफीटेड, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह जी जो हैं वो जमन शाह को हरा देते हैं, और जमन शाह के कंट्रोल में जो लाहौर वाला इलाका है वो इनसे छीन लेते हैं, वो इनसे ले लेते हैं। इसके पीछे भी कई सारी कहानियां हैं। एक्चुअली एक कहानी ये कहती है कि जब जमन शाह और महाराजा रंजीत सिंह जी की लड़ाई हुई तो रंजीत सिंह जी की आर्मी देख के जमन शाह घबरा गए और वो जो है बीच युद्ध ही वहां से भाग गए, और उनकी जो तोपे वगैरह है वो सब वहीं पर रह गया। और बाद में महाराजा रंजीत सिंह जी ने अच्छाई दिखाते वो तोपे वगैरह उनकी वहां भिजवा दी उनके इलाके में, और बदले में जमन शाह ने खुश होकर लाहौर उन्हें तोपे में दिए, पहली बात। दूसरी कहानी ये है कि ऐसा कुछ नहीं था, इनकी आपस में बैटल हुई, जमन शाह जी हारे और लाहौर वाला इलाका महाराजा रंजीत सिंह जी के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अपने को कहानी से कोई मतलब नहीं, अपने को मुद्दे की बात से मतलब है कि ये जो इनके बीच की लड़ाई थी इसके बाद लाहौर जो है इनके कंट्रोल में आ गया था, एंड 1796 में महाराजा रंजीत सिंह जी ने लाहौर को कैपिटल बना दिया था अपने एम्पायर की, ठीक है। याद रखेंगे 1796 में ये काम, इधर ही लिख देता हूँ, 1796 में ये काम हुआ है दोस्तों, और 1805 में ये काम हुआ, यहीं पे लिख दूं, अननेसेसरी एक ही बात चार चार बार लिखने का कोई फायदा नहीं। 1796 में इस लड़ाई के बाद महाराजा रंजीत सिंह जी ने लाहौर अपने कब्जे में लिया और उसे बना दिया अपनी कैपिटल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आई होप आपको जो है चीजें क्लियर हुई होंगी। यस, इससे पहले लाहौर और ये पूरा इलाका अफगानों के कंट्रोल में था जिसके लीडर जमन शाह जी थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाहौर कब्जे में आते आते 1799 हो गए थे, जिसके ठीक 40 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। बट अगेन देखिए, मैं आपको इतना डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, आपको सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं लिखने हैं तो यूपीएससी का मेंस का पेपर नहीं देना है, तो मैं ऑब्जेक्टिव बातें आपको थोड़ी सी ज्यादा बताऊंगा। कुछ भी नहीं थी श्रेया, किंगडम एक्सपैंड हो रहा था ना, पहले छोटा सा इलाका इनके कंट्रोल में था गुजरान वाला, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, फाइनली इन्होंने जो है अपनी कैपिटल डिक्लेयर करी। इसी के बाद माना जाता है इन्हें शेरे पंजाब का जो टाइटल अभी मैंने आपको बताया था ना, ये लाहौर को अपने कंट्रोल में लेने के बाद ही मिला था। बट वो ये कहानियों को मुझे कहीं तो सीमित करना होगा, अदरवाइज सुनने में मजा आता रहेगा लेकिन पेपर में दिक्कत होगी, तो प्रायोरिटी पेपर क्लियर करना है। आगे चलते हैं जी। 1809 में एक ट्रीटी साइन हुई, जो कि साइन हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों पेपर के लिए। ये साइन हुई महाराजा रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो उस समय के जो है गवर्नर जनरल थे। आगे आगे ना भागे मेरे साथ से चले।
बट क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी तो वो खुद नहीं आए थे, ही सेंट चार्ल्स मेडकॉफ टू साइन दिस ट्रीटी। तो पेपर आपसे जब भी जो भी पूछेगा, अगर चार्ल्स मेडकॉफ ऑप्शन में है तो ये आंसर है, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो ऑप्शन में नहीं देते। पीसीएस वगैरह में ऐसा हुआ है, एसएससी में अभी तक मैंने ये वाले सवाल से ये चार्ल्स मेडकॉफ मिंटो वगैरह नहीं देखा है, बट अगर दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स मेडकॉफ है तो वो आंसर है, अदरवाइज लॉर्ड मिंटो आंसर आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इस बार याद कराएंगे विवेक, आप चिंता ना करें, एक आखिरी बार पढ़ेंगे मिलके साथ और वो आखिरी बार होगा, चिंता ना करो। इसमें क्या हुआ, मान लेते हैं एक नदी यहाँ से बह के जा रही है, मैप इज नॉट टू स्केल, ठीक है, दोनों होगा तो आपको सवाल की फ्रेमिंग देखनी होगी, अंकित सवाल ये पूछेगा हु साइंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो चार्ल्स मेडकॉफ आंसर है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड, तो आंसर लॉर्ड मिंटो, उस केस में क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैटर करेगी। इसमें ये एक नदी है जिसका नाम है सतलुज, सतलुज रिवर, इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, इससे नीचे वाला जो हिस्सा है वो ब्रिटिशर्स का हो गया और इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जी का हो गया। इसमें नुकसान किसका हुआ, ऑब्वियसली रंजीत सिंह जी का, इसमें फायदा किसका हुआ, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ऐसे ही करा करते थे, अभी हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी चीजें पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से समझेंगे, ये ऐसे करते थे कि एक इलाका है, आपस में लड़े, आधा आधा कर लिया, दो चार पांच साल के लिए शांत रहे, फिर अपना आधा जो है वो रखे रखा और जो बचा हुआ आधा है उसमें से भी एक और बार बैटल करी और उसका भी आधा अपने हिस्से ले लिया। अब देखिए मेरा मानना यह है कि अब उस बात को सोचकर रोने से बढ़िया ये है कि उसे बस इतिहास के पन्नों में एक लिखे हुए कागज की तरह मान लें, याद कर लें और आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, यहां तक की बात आप समझ गए हैं दोस्तों? नहीं 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 स्प्रूस, चार्ल्स मेडकॉफ एक इंसान है हितेश, जिसने आके वो ट्रीटी साइन करी थी। मान लेते हैं मुझे किसी के साथ ट्रीटी साइन करनी है बट किसी वजह से मैंने आपको भेज दिया उसे साइन करने, तो मेरा नाम लॉर्ड मिंटो हो गया, आपका नाम चार्ल्स मेडकॉफ हो गया। ज्यादा डिटेल में जाना अभी के लिए रिस्की है बट देसी भाषा में लिख देता हूँ, कोहिनूर आया महाराजा रंजीत सिंह के पास, अभी के लिए इस लाइन को इतना ही लिखूंगा, और 1839 में हो गई इनकी डेथ, याद है ना, ये तो मैं शुरू में ही लिखवा चुका हूँ, 1839 में इनकी डेथ हो गई। अगले नंबर पे एक एक करके कई सारे रूलर्स बनेंगे और उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि धीरे धीरे चीजें जो है बिखर गई, वही लिखा है ऋतिक, ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने सब अपने कंट्रोल में ले लिया। आखिरी शासक का नाम मेरे हिसाब से आप बस ध्यान रखें, मेरे हिसाब से वो काफी है, उसके बाद कई सारे शासक आए, लास्ट रूलर 1849 तक रहे जिनका नाम था महाराजा दलीप सिंह जी। ठीक है, यस अदिति, ही गिफ्टेड कोहिनूर टू क्वीन, गिफ्टेड ये कीवर्ड है। लेट मी एक्सप्लेन, आप लोग सेशन में बन रहे, आधा मिनट के लिए मैं पॉज करूंगा, फिर से मुझे चार्जर ऑन करना, ध्यान दे रहा लैपटॉप का, बीच में इशू हो आप सेशन में बन रहे, उससे पहले मैं इसे ठीक कर, सेशन में बन रहे प्लीज। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं, लास्ट रूलर जो थे वो 1849 में महाराजा दलीप सिंह जी जो है वो गिफ्ट कर देते हैं कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया को। अब सवाल ये है कि गिफ्ट कर देते हैं ये सब क्या है,
Ayushman, as per the books, as per the official content, it was gifted. That is why I want to use this word. Otherwise, I would simply say it was looted from India. Actually, it was looted from India. मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है. देखिए, इमोशंस को साइड रख के अपने को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करना है. 1849 तक अंग्रेज़ों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया था और उस समय तक इन्होंने एक एक करके बहुत सारे इलाके अपने कब्जे में ले लिए थे. आपको शायद याद हो डलहौजी इसी समय के आसपास का है. आपको अगर डलहौजी नहीं पता, इग्नोर कर दीजिए मेरी बात को. कुछ चीज़ें अभी मैं नहीं बोल पाता बिकॉज अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है. आने वाले समय में आपको समझा दिया जाएगा. तो क्या होता है, ये इस पंजाब वाले इलाके पर कंट्रोल करते हैं और वहाँ के जो जो शासक होते हैं उन्हें जो है बना देते हैं एक पेंशनर. यानी उन्हें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या उस समय तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पेंशन देगी और उन्हें उस पेंशन पे जीना होगा. ये थी कहानी. और उन्हें जो है पेंशनर बना के लंदन भेज दिया गया, ऑब्वियसली जिससे उनकी यहाँ की पकड़ जो है ख़त्म हो जाए और कोई ज़रा सा भी चांस न बचे, ठीक है, वापसी आने का. और बदले में जब वो जा रहे थे तो उन्हें ये भी कहा गया कि ये कोहिनूर का जो हीरा है आप जाएंगे तो क्वीन विक्टोरिया को दे देना, क्योंकि आप जा ही रहे हैं तो ये हमारा सामान पकड़ाते जाना. उसी को इतिहास के पन्नों में गिफ्टेड लिखा गया. ये ऑब्वियसली अंग्रेजों की एक चाल थी. और आज भी जब आप हम लोग बात करते हैं कि हमसे इसे चुराया गया है तो दे सिंपली से ये चुराया नहीं गया है, ये गिफ्ट करा गया है आप ही के एक इंसान ने हमारे एक इंसान को. तो क्योंकि गिफ्ट है इसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आप इसे भूल जाइए. देखिए, सच बोलूँ तो ऐसे हजारों कोहिनूर भी जो हैं वो अपने देश पे कुर्बान हैं और ऐसा कोई हीरा बना ही नहीं जिसकी कीमत इस भारत देश से ज़्यादा हो. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ है वहाँ है, कोई दिक्कत की बात नहीं. चीज़ें बढ़िया ही चल रही हैं इसके बिना भी, है ना. अपना यूपी जो है इनके देश से बड़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो इनके पास है रख लेंगे. चलो, यहाँ तक की बात आप समझ गए तो आगे चलते हैं. कोई डाउट आया था वो मुझे आप क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए. प्रतीक, इफ पॉसिबल जहां तक आपने वो देख लिया है उसके बाद यहाँ पे आप स्विच कर जाइए, अदरवाइज आप उसे भी देखते रहिए. मतलब आइदर वे इट इज गुड, बट इफ दिस कोर्स अगर आप इसे लगाएंगे तो इट वुड बी समवट बेटर. चलो चलें जी आगे. यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं. यहाँ पर मैंने आपके लिए कंक्लूड कर दिया इस पूरे पोर्शन को. और बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने तीन गुरुद्वारों में जो है कंट्रीब्यूशन किया था इज रिलेटेड टू. वैसे तो बहुत सारों में किया था बट जो हमने पढ़े हैं मेन मेन वो तीन है. पहला है गुरुद्वारा हरिमंदर साहिब अमृतसर, दूसरा है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था. इस बार मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता, नोट्स चेक करो अपने. पटना साहिब, ठीक है, भटिंडा गलत आंसर है. श्री या गुरुद्वारा पटना साहिब ऐसे लिख देता हूँ, गुरु द्वारा पटना साहिब. और एक और गुरुद्वारा है जो कि है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के आखिरी पल बिताए, जहां पे उनकी मृत्यु हुई, जिस इलाके में, महाराष्ट्र के इलाके ही है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. नानकाना साहिब गलत आंसर है. कोई नाम है उस गुरुद्वारे का, गुरुद्वारा हजूर साहिब, नोट कर लीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हजूर साहिब नांदेड़ में है महाराष्ट्र, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बाकी गुरुद्वारों में इन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये मेजर कंट्रीब्यूशन माने जाते हैं इसलिए ये बताए जा रहे हैं. नांदेड़ में है महाराष्ट्र. यहाँ पर आपका सिखिज्म पैक हो गया है. आई होप आपको सीखने को मिला होगा, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें भी और जो नए बच्चे हैं उन्हें भी. मैंने कोशिश करी है कुछ बेहतरीन आपको सिखाया जाए, ठीक है. सिखिज्म एज अ टॉपिक यहाँ पर पैक्ड है मेरे हिसाब से, इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने का. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक, ये पेज खाली छोड़ रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको अंदाजा अच्छा लग जाए, नोट कर लो. भकवा जी मैंने सुना नहीं है इस बारे में, मे बी पॉसिबल हो, आप एक बार चेक करिएगा. इस इलाके में ही हुई थी, यस रानी जी. और भी कुछ क्लास अभी यही चल रही है मनीष, 30 तारीख से बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है. भकवा जी मैंने सुना नहीं है जो आप लिख रहे हैं, आप एक बार चेक करिएगा, मे बी पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है. अब शुरू करा जाए कहानी. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कंप्लीट फोकस, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल इज गुरुद्वारा हरिमंदर साहिब. राहुल पिछली क्लास शायद आपकी मिस हुई होगी. चलो, रिलेटेड का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे गोल्डन टेंपल पे तो इन्होंने ब्यूटिफिकेशन कराया है दिव्यांश, और यहाँ पर बहुत सारे फंड दिए हैं जिससे कि इनका जो है ये गुरुद्वारे और खिलकर आ सके, ठीक है. जैसे कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर मॉनेटरी बेसिस पे, अदरवाइज और कई तरीकों से कैश और काइंड में कंट्रीब्यूट करा है. यस विनीत, ऑलरेडी नोट्स में है आपके. चलो अब आ जाइए आप अगले टॉपिक की तरफ. SSC पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है विजयनगर एम्पायर. अभी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बाद में पढ़ाने का मतलब नहीं बनेगा, अभी फ्लो फ्लो में है, पढ़ लीजिए. एक्चुअली मैं कभी कभार इसे दिल्ली सल्तनत के ठीक बाद भी पढ़ा देता हूँ, कभी कभार ऐसे में पढ़ा देता हूँ, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये अपने आप में एक टॉपिक है. कुछ चीज़ें मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, इससे गिने चुने सवाल बनते हैं,
लेकिन मैं फिर भी इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपके पेट में दर्द ना हो कि सर ने पढ़ाया नहीं, सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ। इससे गिने चुने क्या सवाल बनते हैं मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। ये कब बना, कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा वो हम्पी वाला एक सवाल बनता है, आज का कौन सा राज्य है, पहली डायनेस्टी, पहले रूलर, कृष्णदेवराय कौन है, कि कौन सी डायनेस्टी इसमें नहीं है, और कृष्णदेवराय किसके कंटेम्प्रेरी थे, और दो तीन चार सवाल यहाँ से बनते हैं, और एक ईयर पूछ लेता है, एक वो तुगलक वंश वाला पूछ लेता है, बस इसके अलावा कुछ सवाल नहीं बनते। बट क्योंकि फुल कोर्स है, क्योंकि हो सकता है कुछ नया कल पूछ ले, इसलिए मैं हर बार पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ूंगा। ठीक है राजेश, चलो दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी, आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा आई होप, तो उसमें 1206 से 1290 तक हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, 1290 से 1320 तक हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़ा था। डाउट प्लीज क्वेश्चन टाइम में भेजिए, अंकित सेम फॉर यू, अक्वाची सेम फॉर यू, सब लोग अपने डाउट क्वेश्चन टाइम में भेजिए, फोकस कीजिए। 1290 से 1320 के बाद बना, 1290 से 1320 खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद बना तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के समय ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो कोई आपसे पूछता है कि विजयनगर एम्पायर कब बना, तो आप आंसर देंगे ये बना जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, याद रखेंगे 1336 में बना है, और उस समय दिल्ली सल्तनत में मैं रूलर तो नहीं बताने वाला कौन था, आप जानिए, आपके नोट्स जानिए, तुगलक एम्पायर और मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और जो इसके फाउंडर हैं, पहले वो पढ़ा रहा हूँ जहाँ से सवाल बनते हैं, हरिहर, राजा हरिहर बोला जाता है, एंड बुक्का, राजा बुक्का बोला जाता है। ये दोनों आपस में थे ब्रदर्स। एक्चुअली ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही सेवक थे, लेकिन इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है आगे जाके, और ये साउथ इंडिया आते हैं और यहाँ पर एक नई डायनेस्टी जो है बना देते हैं। और कौन से रिवर के किनारे बनी थी, याद रखेंगे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट डायनेस्टी इनके ही फादर साहब के नाम पे थी, संगम डायनेस्टी। सब लिखाऊंगा स्टवन, चिंता मत करो, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। सब बताऊंगा, चिंता मत करो। नोट कर लिया आपने, तो मैं आगे चलूं। चलो देखिए, आपको याद होगा तुगलक के समय जो शासक की अभी हमने बात करी है, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके समय काफी रिवोल्ट हुए थे। उसमें से एक ऐसा रिवोल्ट हुआ था जो कि करा गया था बहाउद्दीन गुरशास्प के द्वारा। तो होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहाउद्दीन गुरशास्प, थोड़ा सा और डिटेल में कहानी में चलना मजबूरी है। ऐसे इमेजिन करो कि हरिहर और बुक्का एक छोटे से इलाके पर राज करते हैं, कर्नाटक में आराम से इनकी दुकान चल रही है। ठीक है, एक छोटा सा इलाका जहाँ पे राज करते हैं। एक इंसान है बहाउद्दीन गुरशास्प, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की घर की बेल बजाई और भाग के आ गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक को बुरा लगा, जब तक ये भाग के पहुंच गया था हरिहर और बुक्का के पास। चीजों को सिंपल रखना हूं, थोड़ा अननेसेसरी नहीं घुमा रहा बातों को। तो हरिहर और बुक्का से जो है इन्होंने मदद मांगी। जब तक मोहम्मद बिन तुगलक भी वहां आ गए, तो इन्होंने कहा अच्छा तुम सब मिले हुए हो, तो बहाउद्दीन गुरशास्प की तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या कर दी, खत्म कर दिया खेला, और इन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले गए। मैं चीजों को काफी सिंपल रख रहा हूँ बिकॉज समझ में आना जरूरी है। और इन्हें अपने साथ ले गए और इनसे इस्लाम कबूल करा लिया। यहाँ तक सब बढ़िया, क्योंकि हरिहर और बुक्का पहले से एक छोटे से ही इलाके पर सही पटराज कर रहे थे, तो इनकी जो सूझबूझ है वो बहुत बढ़िया थी। मोहम्मद बिन तुगलक को ये पसंद आया और धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास इन पे बनने लगा, और जो छोटे मोटे रिवोल्ट होते थे वहां पर इन दोनों को भेज देते थे कि जाओ सुलटा रहो। एक समय आया साउथ इंडिया में रिवोल्ट हुआ, तो इन्हें भेजा गया। तो हरिहर एंड बुक्का जो है अभी दिल्ली में बैठे, अब इन्हें जो है साउथ इंडिया भेजा गया। और साउथ इंडिया जब ये आते हैं, तो तब इन्हें एक जो है पुरोहित मिलते हैं, एक स्कॉलर मिलते हैं, जैसा भी आप कहना चाहें, एक संत मिलते हैं जिनका नाम जो है विद्यारण्य। ठीक है, वो इन्हें कहते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम, अरे बस बढ़िया आप बताओ, अरे बढ़िया बढ़िया नहीं हो पाप है ये। तो इन्हें जो है वो काफ़ी काउंसलिंग देते हैं, समझाते हैं, और इन्हें वापसी पहले जैसा बनाते हैं, और इन्हें जो है इनकी मदद करके, इंस्पायर करके जो है इनके नाते तोड़वा देते हैं दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक से। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं, अब जब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, है ना, पता ही है वो गाना अपना दे दनादन का, अक्षय कुमार का, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ। अब आगे गाने सुनाने के पैसे थोड़ी लेते हैं, तो गाने नहीं सुनाए जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर जो है विजयनगर एम्पायर स्थापित कर देंगे।
विजयनगर एम्पायर यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा, क्योंकि अपने पापा की काफी सम्मान करा करते थे तो अपने पापा के नाम पे ही जो डायनेस्टी को शुरू कर देते, जैसे आजकल अपन लोग दुकान शुरू कर देते हैं उसी तरीके इन्होंने उनके नाम पे डायनेस्टी शुरू कर दी, जिसे कहा गया सदमवंश। इन एक एक करके ये लोग बैठे उस गद्दी पर, फिर इनकी डायनेस्टी खत्म होगी, फिर किसी और की डायनेस्टी आएगी, फिर किसी और की, फिर किसी और की। ये जो पूरा समय है, ये पूरा जो समय है, इस पूरे इलाके को बोला जाएगा विजयनगर एम्पायर, और इसके अंदर कई सारी डायनेस्टीज आएंगी। जैसे मुगल एम्पायर के अंदर एक ही डायनेस्टी थी, जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारी डायनेस्टीज थी, ऐसे विजयनगर एम्पायर एक सिंगल एम्पायर है जिसमें कई सारी डायनेस्टीज है। वो कई सारी क्या है आपको मैं समझा दूंगा। क्या पूरी कहानी आपके दिमाग तक पहुंच चुकी? सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करे वैभव, सब लिखवाऊंगा बेटा, अभी तो सिर्फ कहानी सुनाई है मैंने। चल चल ये बना रहने देता हूँ, वैसे इसका कोई यूज नहीं है, बट इसे जब भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा कनेक्शन बन जाएगा आपके दिमाग में। तो मैं लिख देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड हरिहर एंड बुक्का, आफ्टर सम टाइम दे ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत एंड स्टार्टेड, अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया इन्होंने, न्यू एम्पायर तुम बद्र के किनारे 1336 को सब लिखवा चुका हूँ, बार बार सेम बात लिखने में मजा नहीं है। सेंट या पुरोहित जैसा भी आप कहना चाहें, विद्यारण्य हेल्प्ड हरिहर एंड बुक्का, ये नाम ध्यान रखना होगा। इसलिए विजयनगर एम्पायर को विद्यानगर एम्पायर भी बोला जाता है। अगले पेज पे लिखता हूँ, चलो आगे चलते हैं। विजयनगर एम्पायर इज इक्वल टू विद्यानगर एम्पायर, विजय नगर एम्पायर, विद्यानगर एम्पायर अभी दिखा देते हैं उसमें। 24 डाउट है भाई, कितने सवाल हैं तुम्हारे जीवन में, खत्म ही नहीं हो रहे। 14th क्लास पे हूँ मैं। ब्रोक अवे समझ गए, रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, ब्रेकअप कर लिया है, वो दिल पे पत्थर रख के किया है या नहीं किया है ये मुझे नहीं पता। चलें आगे, विजयनगर एम्पायर विद्यानगर एम्पायर एक ही बात है, याद रखेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ बढ़िया बातें। इसकी जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, या फिर सेंटर जो था इसका था हम्पी, कर्नाटक। ठीक है रिद्धि, फर्स्ट रूलर हरिहर प्रथम, फर्स्ट, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ सपना, कैपिटल हना गोंडी, फर्स्ट डायनेस्टी संगम डायनेस्टी। जैसे विजयनगर एम्पायर बना तो इनकी कोई कैपिटल भी होगी, है ना, ओवरऑल जो कैपिटल रही वो हम्पी रही, यानी जो सेंटर ऑफ पावर रहा वो कंफ्यूज हो गए हमारे मेरे रेक्टो पोपट। एक छोटा सा इलाका बना उसकी कोई कैपिटल रख दी, लंबे समय में वो इलाका काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया और अधिकतर समय के लिए जो उसका सेंटर है वो हम्पी रहा,
तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल जो है ओवरऑल या सेंटर ऑफ पावर जो है वो हम्पी था। लेकिन जब ये एम्पायर नया नया बना था, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एम्पायर था, उस समय अनागोंडी नाम की एक जगह इसकी कैपिटल हुआ करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं मेगा वो अलग है बेटा, याद रखेंगे फॉरेन ट्रैवलर और रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। दो तीन चार नाम मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। सबसे पहले निकोलो दी कॉन्टी, ये आए थे देवर आए प्रथम के नाम पे, प्रथम के समय पे। ये कौन है, कौन सी डायनेस्टी से, अभी कुछ भी नहीं बताया जाएगा, अभी बस इसे नोट कर लीजिए। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय, ये पर्शिया से थे हर्षद, और बारबोसा और डोमिंगो पेस ये दोनों आए थे कृष्ण देवराय के समय, और एक नुनीज याद रखना। अच्युत क्वेश्चन टाइप में भेज दीजिए इसे रिव्यू, मैं एक बार एनालिसिस कर लूंगा। कुछ यहां से सवाल अगर बने हैं तो करा दूंगा, वरना आप जाने देंगे। नोट कर लिया जी आपने। छोटा सा होमवर्क दूं आपको, वैसे तो मैं प्लस की क्लासेस में देता नहीं हूं होमवर्क, प्यारा सा नॉट सो इम्पोर्टेंट होमवर्क है, नहीं भी करोगे तो कोई जान नहीं लेगा आपकी, बट मैं चाहता हूं कि आप एक एक बार ये जो पांच नाम मैंने आपको बताए हैं, निकोलो अब्दुल बारबोसा डोमिंगो और मुनीस, ये देखिएगा कौन से ईयर में आए और कौन सी कंट्री से आए। आपको सिंपली गूगल पे लिखना होगा, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूं। जैसे आप गूगल पे लिखेंगे अब्दुल रजाक तो आपको सीधा ईयर लिख के आ जाएगा, और साथ में आपको आ जाएगा कि वो जो है पर्शिया से आए थे, उन्होंने जो है तारीफ करी थी इलाके की, वो इतना डिटेल में मत जाना, हम्पी की बहुत तारीफ करी है वो, मुद्दे की बात बस देख लेना कौन सी कंट्री से। जी हाँ, सारे के सारे फॉरेन ट्रैवलर्स। छोटा सा होमवर्क हो जाएगा, आई होप इतना आप कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो अधिकतर नाम हम इस कोर्स में दोबारा भी कवर करेंगे, कहीं ना कहीं ये लोग दोबारा हमें मिलेंगे, बट फिर भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। विजयनगर एम्पायर, ठीक है, डायनेस्टीज, कोई बताना चाहता है कितनी डायनेस्टीज थी विजयनगर एम्पायर में? डायनेस्टीज चार। सबसे पहली संगम डायनेस्टी, दूसरी सलू डायनेस्टी, तीसरी तुलुप डायनेस्टी और आरवीडू। जितने एक्साइटेड आप अभी हैं पढ़ने के लिए, विश्वास मानिए मेरा, आरवीडू तक जब आप पहुंचेंगे ना, आप कहेंगे बस खत्म कर दो सर, इसे इंपॉर्टेंट है भी ना, कर दो, पूछो मत, कर दो खत्म। क्योंकि शुरू शुरू में जब मैं इसे पढ़ाता हूँ तो बच्चे ऑपरेशन करना चाहते हैं इस टॉपिक का, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ना, बस सर हो गया, बस इतना ही कंटेंट बहुत है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से पहली बार ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, बट क्योंकि बन जाते हैं कभी कभार, तो पढ़ाना मेरा फर्ज है। सेकंड क्या है, सलुव, देखिए संगम सलुव तुलुव और आरवीडु, नोटेड। पहली डायनेस्टी शुरू कर रहा हूं मैं, संगम डायनेस्टी, मैं पहले ही बता रहा हूं, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिस लेवल का इंपॉर्टेंट है उस लेवल की डेप्थ में मैं चले जाऊंगा, ठीक है। संगम डायनेस्टी के पहले शासक जो है वो बने हरिहर प्रथम, हरिहर आर वीडू है शुभराज, ARAVIDU हरिहर प्रथम, और इन्होंने राज करा 1336 से 1356। इसमें ईयर में आपको कुछ ऊपर नीचे कहीं पे मिल जाए, नथिंग टू वरी है, दो तीन साल कहीं प्लस माइनस दिखे कोई टेंशन की बात नहीं है।
हरिहर प्रथम जो है याद रखेंगे, इनके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे बुक्का प्रथम, इन्हीं के भाई, 1356 से 1377। ठीक है जी। एक एम्पायर बहमनी एम्पायर, अभी जैसे एक बच्चे ने भी लिखा था, बहमनी एम्पायर भी हुआ करता था इसी के एडजेसेंट, उनसे इनकी डिस्प्यूट जो है जब से एम्पायर बना तब से ही चलती थी। रीजन ऑब्वियस थे कि वो इनका इलाका चाहते थे कि उनका इलाका चाहते थे, और धीरे धीरे करके इन्होंने जो है अपना एक्सपेंशन काफी ज्यादा किया, और बीच बीच में जो है कुछ ट्रीटीज भी साइन हुई, जैसे कि इन्होंने ट्रीटी साइन करी बुक्का प्रथम ने, ट्रीटी विद मोहम्मद शाह ऑफ बहमनी एम्पायर। उस ट्रीटी में जो है ये साइन किया कि कृष्णा नदी और तुंगभद्र नदी का जो बीच का हिस्सा है, जो दोआब काफी फर्टाइल इलाका था, वो जो है विजयनगर एम्पायर का हो जाएगा। दोआब बिटवीन कृष्णा नदी एंड आर मीन्स रिवर तुंगभद्र रिवर नाउ बिलोंग्ड टू विजयनगर एम्पायर। ठीक है। मुक्का प्रथम वॉज ऑल्सो नोन एज वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। अभी आप जितने एक्साइटेड है ना, मुझे आपके लिए पंजाबी गाना याद आ रहा है। पंजाबी गाने में तू रोएगा पछताएगा हथ पन्ना नू लाएगा, मतलब अब सुर लगाने का टाइम नहीं है, लेकिन आई होप इतनी पंजाबी आप थोड़ी सी पकड़ लेते हो कि अभी आप जितने एक्साइटेड है आप धीरे धीरे जो आपको लगे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली देखिए एक क्लास लेता है आज की क्लास के एंड तक, मैक्सिमम पोर्शन में इसका जो है करा दूंगा आपको, बट एक बार पढ़ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा जरूरी ही रहता है। चलिए आगे दोस्तों, क्या हम कह सकते हैं कृष्णा नदी नई बाउंड्री बन गई है बहमनी एम्पायर और तुंगभद्र, बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर के बीच में? थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका मतलब आप जानते ही हैं। नहीं 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 खिलजी नहीं चल रहा बेटा, तुगलक चल रहा है अंकित, याद करो 1320 से लेकर 1440 तुगलकों का समय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट रूलर जो है वो आएंगे हरिहर द्वितीय। काश ऐसा ही चलता सब कुछ, है ना। हरिहर वन बुक्का वन, हरिहर टू बुक्का टू, हरिहर थ्री बुक्का थ्री, हरिहर फोर बुक्का फोर, बट इतना आसान नहीं होगा सब कुछ। ये जो है 1377 से 1404 तक जो है राज करेंगे। ये ईयर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, फिर भी लिख रहा हूँ, क्या पता कभी कुछ पूछ ले। मेरे हिसाब से यहाँ से सवाल नहीं बनना चाहिए, तो ईयर आपको पल्ले नहीं पड़ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल्सो नोन एज महाराजा धीराज। फिरोज शाह बहमनी डिफीटेड हरिहर टू। नेक्स्ट देवराय प्रथम 1404 से 1422, फिरोज शाह बहमनी डिफीटेड देवराय प्रथम। जो टाइटल है वो अनिर्बान इन्होंने लिया था सबसे पहले। हाँ तालीकोटा तक चलते हैं हर, चलिए मतलब मोटा मोटा अगर आप आइडिया लगाओ तो 1336 से लेकर 1647, हाँ 311 साल के आसपास। सही लिखा है आपने, अच्छा अंदाजा है। ठीक है जी, देखिए पहली डायनेस्टी जो, ये लिख दूँ थोड़ा सा ईयर यहीं पे लिख दूँ, पहले पेज पे आ जाओ और अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। संगम डायनेस्टी 1336 से ये चली थी 1486, ठीक है। उसके बाद 1486 से 1506
1506 से 1565, और फिर 1565 से 1570 भी कहीं आपको दिख सकता है, 1647। ठीक है, ये ईयर्स पे बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस मत देना, क्योंकि ईयर्स ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशंस एकदम स्मूथ है। जनरली 1665 से 1670 के बीच जो दिखे सही है, यहाँ पे 1650 के आसपास दिखे जो वो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये आपको समझना होगा, ऑब्वियसली दीज वर बिग किंगडम्स, बट उतने बड़े किंगडम्स नहीं थे कि इनकी लिटरेचर उतने सॉलिड तरीके लिखी गई हो। इनकी लिटरेचर मेनली जो है उनकी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है, अधिकतर लिटरेचर जो है लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है। तो ईयर्स जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपके लिए लिखी, ठीक है जी, आप नोट करिए। कभी तो मन होता ही होगा ना कि सर एक बार तो टाइप करा के नोट्स दे दो, ऐसा मन हो भी तो मुझे मत कहना कि ऐसा नहीं होगा, सब बताया जाएगा साइंटिस्ट, चिंता मत करो सर। बस एक बढ़िया सी पीडीएफ बना दो, 100 रुपये लगा के प्रिंट निकाल लें और सो जाएं उस पे, खुलने तो वो होती नहीं क्योंकि। चलें आगे, बहुत बढ़िया, चलो ऑल गुड। देवराय प्रथम तक का मैंने आपको बता दिया, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना, देवराय प्रथम हिज कोर्ट पोएट, इनके जो दरबारी कवि हैं तेलुगु पोएट थे, इनका नाम था श्रीनाथ, एक तेलुगु पोएट थे, इन्होंने लिखा था रोट हरविलासम। अंकित, अभी के लिए अप्रोक्सीमेट लोकेशन देता हूँ, कर्नाटक। कर्नाटक को आप और अच्छे से जानते हो तो कर्नाटक का हॉस्पिट वाला इलाका, वैसे कर्नाटक इमेजिन कर लीजिए काफी रहेगा। आगे चले, हाँ जब भी लगे ना बहुत ज्यादा कंटेंट हो रहा है, याद रखिएगा जिंदगी में एक ही बार पढ़ना होता है इस कंटेंट में, लाइफ में एक या दो बार मैक्स। तो या किसी बच्चे ने पहले कर लिया 2-3 साल पहले, को आप आज कर रहे हैं, कोई अगले साल करेगा। एक बार हिस्ट्री पढ़ ली मतलब बस पूरा। बहुत बढ़िया रवि, कहाँ से हैं आप? कर्नाटक में। देवराय द्वितीय कंसिडर्ड थोड़ा बहुत नोट की, शिवराज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, याद रखेंगे। अच्छा याद रखेंगे, संगम डायनेस्टी। मैंने यहां पर क्या विजयनगर एम्पायर लिखा है? नहीं लिखा ना, याद रखना। विजयनगर एम्पायर कोई पूछेगा और ये ऑप्शन में होगा तो वो आंसर नहीं होगा। कर लिया नोट, मेरा काम है अनिर्बान ये, और ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ये क्लियर है। देखिए आपके एजुकेटर एक ही चीज 20 बार पढ़ा चुके हैं, उससे पहले 20-25 बार ढंग से पढ़ चुके होंगे। आप लोग इसे पहली दूसरी तीसरी बार देखने, मुझे मैथ्स सॉल्व नहीं करनी होती, आपको करनी होती है। आपको वो कैब याद करनी होती, मुझे नहीं करनी होती। मेरे को मिरर इमेजेस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, आपको करने होते। दैट इज वाई अगर मैं थोड़ा यहाँ स्पेशलाइज हूँ जीके में, तो वो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, देवराय द्वितीय के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये आपको अब्दुल रजाक वाली बात लिखवाई है, आई होप धीरे धीरे कनेक्शन बनने लग गया होगा। अब्दुल रजाक, देवराय द्वितीय, निकोलो भाई, देवराय प्रथम, अब ये कनेक्शन आपका खुद का काम है बिठाना। आगे चलते हैं, 1446 तक हो गया। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन, बिदर या बिदार, आई एम नॉट श्योर कैसे बोलते हैं, एक बच्चे ने अभी लिखा था रवि ने ऊपर, बिदार बोलते हैं, बिदर बोलते हैं। ये थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ हो गया ना, मतलब कर्नाटक का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, शायद नॉर्थ ईस्टर्न है ना, बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न ही हुआ मेरा ख्याल तो, बाकी देख लेना, बहुत श्योर नहीं हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास के लिए डिस्ट्रिक्ट बाजी बहुत देखता हूँ, मेरे को शौक है जिले पता रखने का, शायद वही है। मतलब अगर ये कर्नाटक है तो ये पॉइंट होना चाहिए मेरा ख्याल, यहाँ पर तो बैंगलोर है, मैसूर, ये सब नीचे है, ये उडुपी बीच में है, शायद यही है, बाकी तो आप बेटर जान लें। चलिए यही है, ठीक है। मल्लिकार्जुन जो है ये है 1446 से 1465, नेक्स्ट विरूपाक्ष,
1465 से 1485। देखिए अभी आखिरी वाला पोर्शन चल रहा है, चीजें खत्म सी हो गई हैं, चीजें बिखर गई हैं और बस ऑलमोस्ट एंड है। 1485 1486 दोनों चलेगा। लास्ट रूलर ऑफ संगम ठीक है। एक और नाम ऐड कराना चाहूंगा मैं यहाँ पर, आपको एक और पॉइंट ऐड कर लूंगा यहाँ पर, माहुआन या माउआन, ये आए थे मल्लिकार्जुन के टाइम पे, ये चाइनीज ट्रैवलर थे, ये नोट कर लेना, ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, माहुआन मल्लिकार्जुन के टाइम पे आए थे। अब आखिरी शासक है तो कुछ तो अजीब हुआ होगा विरूपाक्ष भाई के टाइम पे, इनके टाइम पे ना इन्हीं के गवर्नर हुआ करते थे चंद्रगिरी नाम की जगह के, चंद्रगिरी, जिनका नाम था सलुम नरसिंह। आई होप नाम से ही आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, एंड द ऑब्वियस हैपेंड, पावर इनके हाथ में काफी ज्यादा आ गई थी, मौका देखा, विरूपाक्ष जी को खत्म किया और अगली डायनेस्टी जो है बना दी, सलुम डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। आप समझ गए हैं ना, 1485 ऊपर लिखा है, पहले 1486 लिखा था, इट डज नॉट मैटर, ये एक आध साल ऊपर नीचे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट डायनेस्टी बनेगी सलुम डायनेस्टी, ठीक है जी। और इसके जो फाउंडर माने जाएंगे वो माने जाएंगे सलुम, ये नाम है प्रियांशु, यही नोट कर लेना, नर सिंह और सलुम नर सिम्हा राय रथ, एक ही बात है अकवाची, क्योंकि ये ना इंग्लिश नाम नहीं है अकवाची, हिंदी नाम भी नहीं है, तो सलुम सुलुम दोनों एक ही है। अब आ जाऊंगा उसी स्लाइड पे वापस। अब थोड़ा सा नोटिस करो, ये जो डायनेस्टी है ये नन्नी मुन्नी प्यारी सी डायनेस्टी है, केवल 20 साल चलने वाली, बिल्कुल सचिन जो रिकॉर्डेड देख के आते हैं उन्हें ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पर लिख दूं ये बात में, 1485 या 1486 से 1505 1506, पिछली बार 5 लिखवाया होगा, डज नॉट मैटर, इस बार 6 लिखवा रहा हूँ, डज नॉट मैटर। आगे चले, सलुम नरसिंह सलुम नरसिंह राय प्रथम दोनों एक ही बात है, और ये 5 साल के लिए राज करेंगे, 1485 से 1490। नोट कर लिया, अरे हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पुरुषोत्तम गजपति, ये रूलर ऑफ ओडिशा, अटैक्ड एंड कैप्चर्ड सलू, डाइड इन 1490। बंगाली अभी कुछ समय के लिए नहीं आएगा, प्रैक्टिस तब तक मैं आपको स्पेशल क्लासेस में कराऊंगा। अभी मर गए, इनके बच्चे जो हैं बड़े छोटे थे, तो इनके बच्चे जो हैं नाम मात्र के ही शासक बन पाए, जो इनके कमांडर थे, जो इनके जो है इनके जो हैं आप कहीं सेनापति थे, उनके हाथ में जो है कंट्रोल गया था डायनेस्टी। बेटा ये है ना सलुम डायनेस्टी, वह सलुम डायनेस्टी पढ़ गए हम इस समय, हम 1506 तक जो भी नाम पढ़ेंगे सब सलुम डायनेस्टी में आएंगे। तो क्या होगा जी, सलुम भाई तो मर गए, इनके बेटे हैं जिनका नाम है टिम्मा और इम्बादी नरसिंह, ठीक है जी, ये है उम्र में बड़े छोटे। अब 1491 से 1491 तक इनका राज चलेगा और ये मर जाएंगे, फिर 1491 से 1505 तक इनका राज चलेगा, फिर ये भी मर जाएंगे। ओडिशा, शुभराज जल्दी जल्दी लिखें, तो होगा क्या दोस्तों, मेन जो एक्चुअल कंट्रोल जो है वो होगा यहाँ पे नरसा नायक भाई का, ठीक है जी। और ये जो बाकी एक्चुअली उनके बेटे हैं वो नाम मात्र का शासन
कर रहे हैं। जी हाँ, सलू नरसिंह को कैप्चर कर लिया गया था और वो मर गए, डाइड, एंड ऑफ स्टोरी। फिर उसके बाद उनके बच्चे बैठे, वो भी मर गए, दूसरे बच्चे बैठे, उन्होंने नाम मात्र का राज करा इम्बादी नरसिंह जी ने, और एक्चुअल कंट्रोल जो है वो था इनके कमांडर के पास, कमांडर ऑफ इम्बादी भाई। यस श्रेया, सेशन में आ जाए प्लीज। ठीक है, कोई आपसे एक फालतू सवाल पूछे कि इम्बादी नरसिंह का दूसरा नाम क्या था, तो इम्बादी नरसिंह जी को ही नरसिंह राय द्वितीय कहा जाता था। आपस में आप जो बातें कर रहे हैं, आप बताइए क्या करा जाए, इम्बादी नरसिंह से पहले आपको खत्म कर दिया जाए इस क्लास से? नहीं ना, इतने प्यार से पढ़ाता हूँ, इतने मन से पढ़ाता हूँ मैं, उसके बाद भी ऐसी बातें करोगे तो फिर मैं उड़ाता हूँ। आई एम नॉट योर एवरेज जो टीचर, ट्रस्ट मी। चुटकुले को समझने के लिए भी इन्हें अमेरिका की पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए, है ना भाई ऋतिक? अब मैं देखो ऋतिक के पीछे पड़ जाऊंगा, इकबल का जीना फिर तो है जाना, अब इकबल से पहले चलेगा, किसे जाके बताना, दिक्कत हो जाएगी ना। चलो कोई नहीं, समझ गया। देखिए फिकर है, सिर्फ इस वजह से कहता हूँ, वरना मेरा क्या, आप लोग आपस में बातें करते रहो, मेरा क्या ही जाता है ना। नोट कर लिया आपने? थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा भारी हो गया ना कंटेंट, दिमाग खराब होने के कगार पे होगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। संगम वंश खत्म हो गया 1485 में, सलू नरसिंह भाई आए, धोखा देके गद्दी पर बैठे और 1490 में मर गए। ठीक है, इनके कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था नरसा नायक, वो कहते थे कोई बात नहीं, मर जाओ मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने कहा ओके बाय। इनके दो बेटे थे, एक टिम्मा एक इम्बादी नरसिंह। टिम्मा भाई जो है वो आते ही जो है निपट लिए, खत्म, आए और गए। ठीक है, इम्बादी नरसिंह जी 1491 से 1505 तक जो है टिके रहे, बट नाम मात्र के लिए ही टिके रहे, एक्चुअल पावर जो है वो थी नरसा नायक जी के हाथ में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इम्बादी नरसिंह जी ने नरसा नायक को डांटा, क्या कर रहे हैं, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। तो नरसा नायक ने बदले में इम्बादी नरसिंह जी को जो है जेल में बंद कर दिया। रूलर जेल में बंद है, देखो ऑटो पायलट पे चल रही है सरकार। ठीक है, इम्बादी नरसिंह जी को जो है कैप्चर कर लिया गया और नरसा नायक भी मर गए। अब ये तो समस्या हो गई भाई, मैंने आपको ताला लगा के बंद कर दिया और मैं ही कहीं चला गया, मरे मेरे दुश्मन, मैं अपने आप को ऐसे क्यों कहूँ, है ना भाई, कोर्स बीच में रह जाएगा। तो मान लेते हैं मैं कहीं चला गया, अब तो समस्या हो गई, इम्बादी नरसिंह जी जो अंदर बैठे। तो अब क्या होता है, इम्बादी नरसिंह जी बंद बैठे हैं आराम से, नरसा नायक मर गए हैं, तो नरसा नायक के बेटे जो हैं वीर नरसिंह, वो अब कमान संभालेंगे। वीर नरसिंह के पास चाबी आ गई, समझ पा रहे हैं ना, नरसा नायक भी मर गए, सब मर रहे हैं एक एक करके। अब इम्बादी नरसिंह जी बचे हैं, वो इम्बादी जी कहते हैं प्लीज खोल दे, वो खोलते हैं और मार देते हैं, यानी इम्बादी नरसिंह भी मर गए, और जो एकमात्र इंसान बचे हैं पूरे खेल में वो है जो इस पेज पे है ही नहीं, जिनका नाम है वीर नरसिंह, जो कि नरसा नायक के बेटे हैं, और वो जो है क्या करेंगे, नई डायनेस्टी को शुरू कर देंगे। मैं आपके लिए अगले पेज पे लिख देता हूँ ये सारी बातें, आफ्टर डेथ ऑफ नरसा नायक His son, Veer Narsingh, killed Imbadi Narsingh and started a new dynasty. तो लोगों dynasty 1505 या 1506 से लेके 1565 याद रखेंगे, यही वो डायनेस्टी है जब ट्रांजिशन हुआ है दिल्ली सल्तनत से मुगल डायनेस्टी का। तो कोई आपसे पूछे, मुश्किल सवाल बनेगा ये, मतलब अधिकतर बच्चे इसमें तुक्के मारेंगे, विच डायनेस्टी वॉज देयर इन विजयनगर एम्पायर व्हेन मुगल्स गेन कंट्रोल, ऐसा कुछ करके सवाल बनेगा। तो तुलुक डायनेस्टी उस समय थी, फाउंडर हैं इसके वीर नर सिंह जी, जो कि 1505 से 1509 तक राज करेंगे। अब ये 1505 वाला समय वो है जब पोर्चुगीज आ चुके हैं 1498 में, सुलुफ के समय ही, लेकिन धीरे धीरे पोर्चुगीज की पकड़ जो है बनती जा रही है, और पोर्चुगीज के जो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीदा, ये अभी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, वो आए थे इनसे मिलने, लिख देता हूँ मैं। वीर नरसिंह जो है ऑल्सो नोन एज
भुजबल, भुजाओं में जिनके काफी बल है। बाकी अगले पेज पे लिखता हूं फ्रांसिस्को भाई की बातें। नोट कर लिया? यस, सब सेम है सचिन। चलिए, फ्रांसिस्को अल्मीदा फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज मेट वीर नरसिंह। ठीक है जी, नेक्स्ट रूलर कृष्ण देव राय 1509 से 1529। अगेन ईयर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट एक आइडिया देने के लिए है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बिल्कुल वैभव आप ऐसा कह सकते हैं। जनरली ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। इस बार विजयनगर लिख रहा हूं पूरा का पूरा, और अकॉर्डिंग टू मिस्टर बाबर ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो पेपर आपसे पूछेगा कृष्ण देवराय किसके कंटेम्परेरी थे। देखिए, कृष्ण देवराय जी की डेथ हो गई थी 1529 में, बाबर की 1530 में। तो क्या कृष्ण देवराय जी हुमायूं को मुगल बादशाह बनते हुए कभी देख पाए होंगे? नहीं। तो कहीं ऑप्शन में फंस जाओ तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले ही मुगल बादशाह जो है बाबर थे और हुमायूं के समय भी ये थे नहीं। तो कंटेम्परेरी किसके होंगे? सिर्फ एक इंसान के, जिनका नाम होगा बाबर। कोई आपसे कहे बाबर हुमायूं बोथ नन, तो सिर्फ बाबर वाले पे टिक करके आना। जनरली क्या होता है, जब ऐसे सवाल हम देखते हैं तो हमारा बोथ पे ज्यादा ध्यान जाता है, सिर्फ वाले पे थोड़ा सा कम जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बोथ नहीं होगा, ओनली बाबर उस सवाल का आंसर होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है कृष्ण देवराय से मिला था। नोट कर लिया आपने? मैं बातें करते करते आपको समय दे रहा हूं नोट करने का। अल्फांसो, ये भी पुर्तगाली गवर्नर ही है, के ए आर के कर रहा हूं, वैसे तो क्यू यू ई दुनिया भर के लगे हुए इनके नाम में, सिंपल रखते हैं चीजों को। मेट कृष्ण देव राय। अब कृष्ण देव राय जो है इनके दरबार में होते थे 8 तेलुगु पोएट्स, जिन्हें कहा जाता था अष्ट दिग्गज, जिनमें से एक थे तेनाली रमन। तो कोई आपसे पूछेगा तेनाली रमन किसके दरबारी कवि थे? तो कृष्ण देवराय जी के दरबारी कवि थे। इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए, चिदंबरम मंदिर, होमवर्क लेने को तैयार रहिएगा। होमवर्क है ये सारे कहां पर हैं? नटराज मंदिर, अधिकतर तमिलनाडु वाले हैं, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि आप मेहनत करके आए। विट्ठल देव मंदिर और गोपाल कृष्ण मंदिर। होमवर्क है जी, होमवर्क है। क्या होमवर्क है? होमवर्क है ये कहां पर है? तो तुक्के नहीं मारने, जैसे सब लोग तमिलनाडु लिख रहे हैं, मैं आपकी बात को काटता हूं। गोपाल कृष्ण मंदिर जो है ये तुमकुर नाम का एक जिला है कर्नाटक का, वो समझते होंगे रवि जी, रवि जी कर्नाटक के हैं। ये जिला जो है हल्का साउथ में पड़ता है, आप अंदाजे के तौर पर देखें तो दक्षिण कन्नड़ा के ईस्ट में पड़ेगा और मैसूर के हल्का नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, जहां तक मुझे मैप याद है, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो पढ़ के आइएगा, तुक्के मत मारिएगा, ठीक है जी। अच्छा, बैंगलोर, हाँ बैंगलोर के भी पास ही हो गया, तुक्के मत मारिएगा, पढ़ के आइएगा। चलो आगे चलते हैं।
कृष्ण देव राय डाइड इन 1529। कोई तो ये भी कह देता है कि तारीख थी 17 अक्टूबर 1529, बट ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही विवेक आपने लिखा। और माना जाता है इस दिन चंद्र ग्रहण था। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये करंट अफेयर्स में कुछ समय पहले चीज आई थी, तो वहां से ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब कहाँ से पता लगा है? एक इंस्क्रिप्शन से, फाउंड नियर गोपाल कृष्ण मंदिर, यही जिसकी मैंने आपसे बात करी है। और ये कहाँ पर है? ये जगह है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। हल्ली, ये हल्ली जो लिखा है इसे हड़ी करके बोलते हैं, मतलब हल्का रड़ की आवाज आती है, इसका मतलब होता है विलेज। बोथ सैंक फ्रॉइड, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ काइंड रूलर, बट अगेन आई होप यू अंडरस्टैंड। सी मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात गलत है या सही है, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें नहीं पता रियलिटी क्या थी। माना जाता है कि एक्सपेंशन इनका काफी तगड़ा था और इन्होंने जनता की भलाई के लिए काफी कुछ करा था। ये इंस्क्रिप्शन कन्नड़ा भाषा में लिखे गए हैं, नोट कर लिया आपने? एक अमुक्त मल्याद किताब है जो आपको पता होनी चाहिए, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू काफी काफी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय जी के द्वारा लिखी गई है, तेलुगु। अमुक्त मल्याद या अमुक्त मल्यादा, 1 मिनट। ठीक है, देखो फटाफट फटाफट नोट कीजिए। बिल्कुल, श्रीलंका और इंडोनेशिया वाला हिस्सा काफी आगे आगे तक माना जाता है कि जो कंबोडिया वगैरह, कंबोडिया में इसलिए तो मंदिर है क्योंकि वो इलाके तक अपने कब्जे में थे। कृष्ण देव राय ने तेलुगु बुक लिखी थी, ठीक है। इस शब्द का मतलब है, मतलब शाब्दिक अर्थ है, वन हु ऑफर्ड गार्लैंड, मतलब माला, आफ्टर वेयरिंग इट themselves। इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं इस किताब के अंदर, ये तो इसका मीनिंग है। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है मैरिज ऑफ गौण देवी एंड लॉर्ड रंगनायक, ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु जी के, विष्णु। चले जी आगे। ये ध्यान रखेंगे, कृष्ण देवराय फाउंडेड द सिटी, टाउन जो भी कहें, टाउन कहना ज्यादा सही है, नागलपुरम, नागलपुरम लिखा है अपनी मदर के नाम पर। कर्नाटक नहीं है मेरा ख्याल, ये चित्तूर वाला इलाका होगा, आंध्रा वाला, एक बार चेक कर लेंगे। नागलपुरम मेरा ख्याल तो चित्तूर वाला इलाका है, जहाँ तिरुपति मंदिर है उसके पास है ये, एक बार चेक कर लेना आप लोग कहाँ पर है ये। यस अनिर्बान, एक्चुअली गुजरात की तरफ से नहीं आए थे, आए थोड़ा नीचे से ही थे, बाकी कह सकते हैं गुजरात की तरफ से भी आए थे क्योंकि
ये साउथ अफ्रीका में रुके थे, साउथ अफ्रीका मीन्स अफ्रीका में रुके थे और उसके बाद भारत की तरफ आए थे। ये पोर्शन बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जब यूरोपियन एडवेंट पढ़ाऊंगा, अभी के लिए मैं इसे डिस्कस नहीं करता। दो चार क्लासेस बस आप और रुकिए, वहां पे हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। प्रियंशु एक्चुअली हम जो है यहाँ पर एज अ टॉपिक पढ़ रहे हैं विजयनगर एम्पायर, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, थोड़ा लिमिटेड रह के ही आपको पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री में इतना पूछा है कि हम पढ़ते रह जाएंगे बस, लेकिन वही है समय की कमी है दोस्त, बस इस चक्कर में। और रोहित नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस, चलें आगे। अच्छा ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको पता है ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जरा जरा सी बारीकियां भी कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाती है। विजयनगर का मतलब होता है विजय मतलब जीत, नगर मतलब शहर यानी सिटी ऑफ विक्ट्री। कहीं ऐसा ना हो कि इतना बेसिक सवाल बन जाए और फिर हम गलत कराएं, ये पता है ना आपको। और ये जो हम्पी वाला इलाका है, वैसे तो हिस्ट्री का पोर्शन नहीं है बट फिर भी बताना मेरी जिम्मेदारी है, ये जो हम्पी है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बच्चे ने लिखा भी था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 1986 की। ये दो बातें मैंने सोचा आपको और बता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। देखिए या तो मैं नहीं पढ़ाता या मैं ढंग से पढ़ाता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम और मेरी अच्छाई बुराई दोनों एक ही है। मैं नहीं ला रहा ना स्टैटिक का कोर्स, मैं नहीं ला रहा, मुझे पता है आप लोग मुझे बुराइयां दे रहे हो, बट मेरा मानना ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ कोर्स वो काम मैं नहीं करता। जिस दिन पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि बहुत ही नया कंटेंट है। चलिए आगे, बहुत बहुत शुक्रिया इसी बात पे युवराज, इसी बात पे चल आगे चलते। ध्यान आ गया मुझे, डाउट सेक्शन खुला। कोई बात नहीं विकास, कोई बात नहीं, उम्मीद है इस पर विकास होगा हमारा। आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें मैंने आपको इनके बारे में बता दी है। कई सारे रूलर आए हैं, अच्युत देवराय जो है 1529 में, नेक्स्ट रूलर जो है वह अच्युत देवराय 1529 से 1542। वो आपको लिखवा चुका हूँ, नुनीज वाली बात मैंने लिखवा दी है ना, तो वो जबरदस्ती बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपके लिए भी दिक्कत होगी मेरे लिए भी। सदाशिव राय, राय राय सब एक ही है, 1542 से 1565। अब क्या होता है 1565 में आता है तूफान। वो तूफान ऐसा तूफान है जो विजयनगर एम्पायर को खत्म करके रख देगा। उसके बाद भले ही ये कुछ समय के लिए बचेगा लेकिन नाम मात्र के लिए बचेगा। या जैसे तैमूर के अटैक के बाद हुआ था ना, कि बस शासक बच तो गया था, नाम वाम लेके और मिक्सअप नहीं कर रहा, शासक बच तो गया था लेकिन नाम मात्र का ही बचा था। कुछ यहाँ पर भी वही होगा कि ये शासक बच तो जाएगा, इनफैक्ट ये विजयनगर एम्पायर बच तो जाएगा बट ऐसे ही बस यूं ही बचेगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी है। देखिए सदाशिव राय जो है इनके टाइम पे एक बैटल होगी, यहाँ से यही मेन सवाल बनता है, बैटल ऑफ तालीकोटा। सबसे इंपॉर्टेंट ईयर ही है 1565 में बैटल हुई थी, जिसमें पूरी दक्कन के जो बाकी शासक हैं उन्होंने एक बनाई थी अपनी टीम विजयनगर एम्पायर के खिलाफ वर्सेस डेक्कन यूनियन। इसमें बीजापुर वाला इलाका था, अहमदनगर वाला इलाका था, बिदार वाला इलाका था और गोलकुंडा वाला इलाका था। आई होप आप थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं, मेरी आंखें भर आई हैं, मैं थोड़ा आंसू पोंछ लेता हूँ कि सब तरफ से जो है इन पर अटैक हुआ है और जिस वजह से क्या है ये बहुत ही बुरे तरीके जो है हार जाएंगे, डिफीटेड बैटल। उसके बाद भले ही विजयनगर एम्पायर बचेगा बट कुछ समय के लिए ही बस जो है टिक पाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट डायनेस्टी। जी हाँ यस प्रियंश, BIDAR या BEER, नेक्स्ट डायनेस्टी जो आएगी वो आएगी RBDU डायनेस्टी 1570 से 1652। लास्ट डायनेस्टी ऑब्वियस सी बात है और इसके फाउंडर जो है वो है तिरुमल। क्या हम कह सकते हैं ही रीफाउंडेड
क्यों? क्योंकि खत्म चीज को वापसी जिंदा करा है द विजयनगर एम्पायर। तो कोई इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि विजयनगर एम्पायर को 1570 में किसने फाउंड किया? तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको 1336 दिमाग में आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि तिरुमल भाई जो है, इन्होंने जो है इसे रीफाउंड किया था। नहीं लिखवाए हैं बेटा, समय की कमी है मयंक, और डेटा ऑलरेडी बहुत हो चुका है इस चक्कर में। आप चाहें तो एक बार खुद पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से बस नहीं लिखवाया। ठीक है विवेक, आप एक बार कोर्स के एंड में मुझे ये चीज़ याद दिला देना। ठीक है, एक्चुअली ये तिरुमल जो है ना, ये दामाद थे कृष्णदेव राय के, सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेव राय। तो डायनेस्टी अलग कैसे हो गई दोस्तों? एनी गेस? इनकी जो कैपिटल थी, जब तक मैं वो लिखता हूँ, पेनुकोंडा, क्योंकि फादर अलग। हाँ हाँ बिल्कुल सही, लव मैरिज, जबरदस्ती ये बातें कर रहे हैं। नॉर्मल मैरिज हुई है तो दूसरी बरादरी में हुई होगी, दूसरी जगह हुई होगी, इस वजह से वो शिफ्ट आया है। सर आप क्यों मना कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा गेस कर रहे हैं। पेनुकोंडा, पेनुकोंडा है, सॉरी पेनु, आंध्र प्रदेश। दो ही साल के लिए जो है ये रुकेंगे, उसके बाद क्या होगा? बस ऐसे टॉपिक छेड़ रहे हैं लोग जो इन लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं। वहाँ तिरुमल भाई आप लोगों की बात सुन के सैड लाइफ में जा चुके हैं, एंड तिरुमल सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आई एम नॉट टू ब्लेम, ही रिटायर्ड, चोज रिलीजियस लाइफ ओवर। उससे पहले कुछ भी नहीं बचा था ना विवेक, याद करो, सब खत्म था, पॉलिटिकल लाइफ, हैशटैग साइड लाइफ। फटाफट नोट कीजिए, याद करिए विवेक, वो इससे पहले तालीकोटा के युद्ध में सब खत्म हो चुका है। ये अलग से पढ़ाया जाएगा रोहित, और इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वही पावर स्ट्रगल आदित्य, मुझे आपका इलाका चाहिए, आपको मेरा इलाका चाहिए, सेम अनिर्बान। देखिए ऐसे ही चलता है ना, जब ये एक्सपैंड करें हैं तो किसी का एरिया तो अपने कब्जे में लिया होगा ना, अब उन्हें वापस लेना है, बस ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट श्रीरंग प्रथम, इन्हें श्रीरंग देवराय के नाम से भी जाना जाता था, श्रीरंग देवराय। नेक्स्ट वेंकट, ये श्रीरंग वन के भाई थे, नॉट इम्पोर्टेंट, नाम लिखना चाहे लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो मैं आपको डांटूंगा नहीं। श्रीरंग द्वितीय, रामदेव 72 तक गया है, वेंकट तृतीय, श्रीरंग तृतीय। ठीक है, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, 1572 से 1585 मर गए, फिर 1586 से 1614, ये भाई थे उनके, नॉट इम्पोर्टेंट, 1614 में ये भी निपट गए, फिर एक दो साल ऐसे ही चला सब कुछ के 1617 से 1632, फिर 1632 से 1642, 1642 से 1646, लास्ट रूलर खत्म खेला। अंकित मेरा मानना यह है कि ऐसा इसलिए करा जाता होगा, जिसे पहले कोई कुछ अच्छा कर गया उसके जो क्रेडिट है वो हमें मिल जाए। जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम श्रीरंग द्वितीय है, और मुझसे कुछ समय पहले कोई श्रीरंग प्रथम था जिसने बहुत अच्छा काम करा था, तो लोग जब मुझे मेरा नाम लेंगे ना तो लोगों को लगेगा वही, तो उसका उसने जो भी करा वो ऑटोमेटिकली मेरी इमेज में ऐड हो जाएगा। ये मेरा मानना है, ये गलत हो सकता है पूरे तरीके, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही रीजन होगा कि बाहुबली के बेटे का नाम भी बाहुबली ही रखा गया था, और महेंद्र बाहुबली जो नाम आया है, अमरेंद्र बाहुबली, वो एक जैसे इसी वजह से थे जिससे कि वो रिलेशन जो है बन सके। लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर प्रिंस यही होंगे, श्रीरंग तृतीय। ठीक है जी, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक बैटल मैंने आपको बताई थी, इसका डेट याद कर पाएंगे आप? सिंपल सी डेट है, एक ही बात है, वेंकट वेंकट दोनों एक ही हैं श्रेया। 26 जनवरी
ये तो याद रहेगी, 1565 इसमें सदाशिव राय के टाइम पे हुआ था, लेकिन एक्चुअल पावर जो है राम राय के हाथ में थी, एक्चुअल पावर राम राय के हाथ में थी, एक्चुअल पावर वो थी मिनिस्टर ऑफ सदाशिव राय, जिनका नाम था राम राय। श्रीरंग कौन से वाले शिवराज? देखिए श्रीरंग प्रथम जो है, अच्छा आपने 1614 लिखा है ना, 1614 से 1615, 16 के आसपास आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है नोट कर लिया आपने। इस बैटल के बाद जो विजयनगर एम्पायर बिखर जाता है, वेल्लोर वाला इलाका जो कि तमिलनाडु में चेन्नई के पास है, मैसूर वाला इलाका जो कि कर्नाटक का साउथ है, और शिमोगा वाला इलाका जो कि कर्नाटक का मैसूर से हल्का सा और नॉर्थ वेस्टर्न होगा मेरा ख्याल, ये सब इलाके आजाद हो जाते हैं और विजयनगर एम्पायर नाम मात्र का बचता है। ठीक है लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर आप लिख सकते हैं, 12 बजने वाले हैं बस फ्री कर देते हैं, चिंता मत करो। कहाँ गया वो? ठीक है क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, टाइम काफी ऊपर हो चुका है, 11:45 हो चुके हैं, फॉर द रिकॉर्ड क्लास यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। कल आपकी जो क्लास है वो सुबह 10 बजे है, रात को 10 बजे नहीं है। अब अगर आपको फिर भी ना पता हो, आप कल परसों परसों आके मुझे कह रहे सर जी कल क्लास ठीक है, तो मैं आपको मना कर दूंगा, नहीं बेटा संडे को तो मैं घूमने गया था, आप भी घूमने गए थे, अच्छी बात है। देखिए मैं आपको क्लास की शुरुआत में क्लास के एंड में दोनों समय बता रहा हूँ कि कल सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे आपकी क्लास है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। अब जो है मैं आपके डाउट्स लेने वाला हूँ, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। सी श्रेया, केमिकल और फिजिकल चेंज में जो मेन फर्क होता है बेटा वो ये होता है कि केमिकल चेंज में बॉन्ड ब्रेक होती है एंड वो इरिवर्सिबल होता है जनरली। जैसे कि आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स जनरली, है ना। बट मेल्टिंग ऑफ समथिंग, हीटिंग ऑफ समथिंग इज रिवर्सिबल। आपने जो है पानी को जमा दिया, बर्फ बन गया, बर्फ को गर्म कर दिया, पानी बन गया, और गर्म कर दिया, स्टीम बन गया, ठंडा कर दिया, फिर से वाटर बन गया, यानी फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल एंड देयर इज नो चेंज इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ थिंग्स। यानी फॉर एग्जांपल इफ यू हीट मेटल, इट विल स्टिल रिमेन मेटल, मेटल ही रहेगा। अगर आपने आयरन को हीट करा है तो वो आयरन ही रहेगा। आई होप आपका डाउट जो है क्लियर हो गया, दैट इज व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। चलिए आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। मैं आप सभी के डाउट्स देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 8 आवर स्टडी कैसे प्लान करूं? मनीषा के सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है आकाश, देखिए सबसे पहले 8 आवर स्टडी ऐसा कुछ बांध के मत रखिए, आप सिंपली ये देखिए कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से करना है। सबसे पहले अपने सोर्सेस फिक्स कर लो, कि अगर आप थोड़ा मेहनत वाला काम है आप देख लो आपने हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, लिख लो अप्रोक्सीमेट कितने घंटे। ऐसे करते करते पूरा एसएससी का सिलेबस पहले प्लान कर लो कि यहाँ यहाँ से करना है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितने घंटे का एफर्ट चाहिए, कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद जीके का एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट मिनिमम उठा लेना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो जैसे हिस्ट्री और इधर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सब उठा लेना, ये लाइफ में आप मुझसे कंप्लीट कर लेना। ऐसे ही मैथ्स रीजनिंग जो भी जहाँ से भी आप कर रहे हो एक बार प्लान कर लेना, ये देखना कितने घंटे क्लासेस आपकी डेली बन रही है। एक तो वो क्लासेस आपको पूरी करनी है, उसके नोट्स अच्छे से बनाने हैं, हफ्ते में मिनिमम एक बार उसे रिवाइज करना है, और क्वालिटी आपने रिकॉर्डेड कर ली अच्छी बात है, जो जो पोर्शन बचा है उसकी एक लिस्ट ऐसे बना लो, और हफ्ते में मिनिमम एक बार रिवाइज करना है, और कोशिश करके 2 हफ्ते में एक बार अगर पॉसिबल हो मॉक वगैरह दे देना, ठीक है। बाकी अगर अभी आप 0 लेवल पे हैं और आप वर्किंग नहीं है, मुझे लगता है 8 घंटे से ऊपर भी अगर जाना पड़े तो कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है जाना पड़ जाए मत लेना इसे आकाश, बट क्योंकि समय अपने पास ना कम है, प्री से पहले मैं सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने लायक आप लोगों को नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ डब्ल्यू की कट ऑफ क्लियर। डबल ए जो है ना, आप लोग जानते नहीं हो क्या चीज़ है, आप में से मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इस वजह से मतलब उस तरफ देखते नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ थिंग फॉर डबल ए, जो कि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के लिए एक अच्छी बात हो जाती है। जैसे कोई ऐसा है जो CSS नहीं ले पाया, वो डबल ए से सेटल हो जाता। कभी करेंगे फुर्सत में बात, डबल ए की बात जो है मैं हमेशा करता हूँ प्री के बाद, प्री से पहले एक ही टारगेट मैक्सिमम मार्क्स, प्री के बाद जो है आपको जो है डबल ए जो जो बच्चा क्लियर कर ले मुझे बताना, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगा, सब मैं करा दूंगा विवेक, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं प्रिंस, कई चीजें आपने पढ़ी नहीं होंगी ना प्रिंस, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। हाँ सीए जी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जैसे आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सीए जी,
अच्छा, कई लोग कंपेयर करते हैं यूपीएससी से सब चीज़ों को, वो बेवकूफ़ी है, साफ बात है। एसएससी की मेहनत से एसएससी की नौकरी मिलेगी, जो बात साफ है, कड़वी है बट साफ बात है। वो बच्चा जो है 8-9 पेपर लिख के आया है मेंस के, है ना, वो इंटरव्यू देके गया है, उसने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, तो ऑब्वियसली उसे बड़ी लेवल की नौकरी मिलेगी। एसएससी में क्या है, बुरा मत मानिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट, एसएससी इतना मुश्किल नहीं है। सर्टेन बुक्स हैं, अच्छे से कर ली, पेपर निकलना तय है, मानिए मत मानिए। सर्टेन बुक्स हैं, सर्टेन कंटेंट है, 400 से 500 घंटे दे दिए, पेपर निकलना तय है, कोई नहीं रोक सकता। वो देते नहीं बच्चे, वो बच्चों की गलती है जी, बात साफ है। मतलब मैथ्स में बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, रीजनिंग में ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न है, इंग्लिश में फिक्स पैटर्न है, जीके ही अकेली ऐसी जो इज्जतदार है एसएससी की। और वही है कि जो बच्चे समझदार है वो बाकी 3 सेक्शंस को मजबूत कर लेते हैं, और जीके में अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं कि इससे काम बन जाता है। अच्छी बात है ऋतिक। सी द मेन डिफरेंस इज द सैलरी ओनली आयुष्मान, द सैलरी डिफरेंस इज अराउंड 12,000। जो 4200 ग्रेड पे वाले हैं वो सैलरी उठाते हैं करीब 52-53 हज़ार रुपये, और 4600 वाले जो हैं वो सैलरी उठाते हैं करीब 67,000 के आसपास। मैं वाई सिटी का बता रहा हूँ, डिफरेंस करीब 10 से 12 हज़ार का रहता है। जो 4800 ग्रेड पे हैं उनकी सैलरी जो है सिर्फ 2 से 3-4 हज़ार ऊपर होती है, बट 4800 में 4 साल बाद वो 5400 हो जाते हैं, यानी लेवल 9 हो जाता है। भले उनका प्रमोशन हो ना हो, वो जो है सीधा एक लेवल बढ़ जाएगा, तो उसमें लंबे समय में कौन सा जो है काफ़ी फायदा रहता है। 4200 में कुछ ही पोस्ट है, ज्यादा नहीं है। एक तो मेरा ख्याल डीए है आयुष्मान, एक बार चेक करना आप नोटिफिकेशन के पहले दूसरे पेज पे होगा, लेवल 6 में देख लेना, जो जो है डीए है एक तो मेरा ख्याल, और मेरी नजर में अभी नहीं आ रही आयुष्मान, एक बार चेक करना। मेन तो डीए ही है जो ऐसी है, 10,000 का नुकसान कराती है बट घर के पास नौकरी दे देती है। 4800 में 2 ही है, डब्ल्यू अकाउंट्स, डब्ल्यू ऑडिट। एएसओ सब 4600 है, लेवल 7, 44,900 बेसिक पे से शुरुआत। ठीक है चिराग, आप रेज हैंड भेजिए। हिरोशी सेम है 4600, वैसे ग्रेड पे अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही लिखा है ना इसमें। एक्चुअली आपको पता होगा, जो हमारे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो रशिया से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और रशिया का ही कॉन्सेप्ट है 5-ईयर प्लान्स का, मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी थ्योरी की क्लास में पूरी बात। और उस वजह से जब हमने 5-ईयर प्लान्स स्टार्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो हमने रशिया से इंस्पायर्ड होकर इसे शुरू किया था, तो जो लिखा है वो सही लिखा है। ऑफिशियल याद नहीं है बेटा, करीब 1 साल हो गया, एक बार चेक कर लेना, सेंसर शायद उसमें नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल करते थे मयंक, एक्चुअली हम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं तो ज़्यादा मैप्स नहीं दिखाता हूँ। एक्चुअली बिल्कुल करते थे, इनके किंगडम बहुत बड़े बड़े थे, मतलब आधा भारत कवर हो जाता था उसमें, बट क्योंकि मयंक समय कम है और मैप्स पूछता भी नहीं है ना, एसएससी का ही एग्जाम है, इस वजह से मैप्स आपको नहीं दिखाए हैं। आप चाहो तो एक बार दिल्ली सल्तनत मैप लिखोगे, एनसीईआरटी ऐसा कुछ लिखोगे, तो आप समझ जाओगे, वो सिर्फ नाम का दिल्ली है मयंक, बहुत बड़ा इलाका होता था इन लोगों का। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जेएसओ भी है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स ने लिखा, जेएसओ मेरे ध्यान से उतर गया था। जेएसओ का काम थोड़ा मुश्किल रहता है वैसे। एग्जाम को स्किप करना स्प्रूस जीवन की एक बेवकूफ़ी होती है, बहुत ही कड़वी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है वो ज़रूरी है इस पॉइंट पे। जिंदगी में कभी एग्जाम स्किप नहीं करना चाहिए, भले ही आपकी तैयारी हो या ना हो, आप अगर पॉसिबल है फाइनेंशियली आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको तजुर्बा मिलता है, आपको पता लगता है एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आई सपोज यू शुड टेक दिस एग्जाम, जब बुरा मत मानना, जब इतने महीनों में तैयारी नहीं हो तो 2 दिन और भी खराब हो जाएंगे, तो भी कोई प्लस माइनस नहीं होगा। चिराग जी फटाफट प्लीज अपने डाउट बताइएगा, डाउट्स थोड़े ज्यादा हैं। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते, बताओ कैसे हो। नमस्ते, गाइडेंस चाहिए बस। जी बताइए कैसे सर। मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, ये लास्ट सेमेस्टर है मई में। ठीक है सर, अभी मैं पहले डिफेंस एस्पायरेंट था, मैंने अग्निवीर वाला दिया है इसमें। ठीक है, बाकी सर मैं बेसिक बेसिक एसएससी की प्रिपरेशन भी करता रहा हूँ कुछ टाइम से, 4-5 महीने। तो बस सर यही है कि अभी इसका बता दीजिए कि आगे, मतलब मेरे को सर, मतलब सीजीएल में मेरे को जॉब चाहिए। अब सर 2020 वाला तो पता नहीं है इसका, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो सर यही बता दीजिएगा है कि नहीं।
कौन सा 23 वाला? यस सर, जिसका प्री है जुलाई। चांसेस काफी कम है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आप चेक करना क्या वो डेट दे रखी है। Okay, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट डेट वो लोग देखते हैं। तो आप कह रहे जैसे मई में आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तो रिजल्ट तो जुलाई अगस्त के आसपास आएगा। यस सर। तो वो डेट देखनी होगी आपका, रिजल्ट की डेट वगैरह क्या है। तो अभी के लिए इस सवाल को होल्ड पे डालते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखते हैं। सर मेरे को डाउट चाहिए लीगल में, रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर दैट। कृष्णा यूपीएससी वगैरह में होता लास्ट ईयर वाला अपीयरिंग दे सकता है, एसएससी में नहीं, बाकी डेट पे डिपेंड करता है। कृष्णा जी बताइए आप। ओके सर, सर मेरे को जॉब अभी सर मेरा मन सर सीजीएल का ही है, और सर इसी चीज की वजह से सर मैं प्रिपरेशन कर नहीं पाता हूं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। किस चीज की वजह से? सर वो सीरियसनेस नहीं आ पा रही है, जैसे कि अभी सीजीएल मेरा है ही नहीं इस साल। तो सीएचएसएल क्यों नहीं देते आप? हां सर, मतलब ये मन था कि सीधा सीजीएल ज्वाइन करें। अभी आप उम्र में छोटे हैं, तजुर्बा कम है, इस वजह से ऐसा आपको लग रहा है। इस उम्र में यही होता है। मैंने भी अपने जीवन में जो सबसे पहला एग्जाम दिया था, मैंने सीधा पीओ और सीजीएल दिया था। जो आपकी सोच थी कुछ कुछ वैसी ही मेरी भी सोच थी कि बड़ी नौकरी करेंगे वाली होती है ना एक सोच की, यार मैं जब मैं एक ऑफिसर लेवल बन सकता हूँ तो दूसरा क्यों नहीं। बट मुझे लगता है ये गलती है। आप पहले सीएचएसएल एमटीएस देंगे और उसके बाद जो है आप सीजीएल, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी आपकी एज कितनी है? सर 19 19 1/2। मान लेते हैं आप 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए। 21 साल के बच्चे की, अगर मैं 21 साल के बच्चे को 30 से 40 हजार रुपए महीना देता हूँ, क्या बुरा है? मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा है, मतलब परफेक्ट है 22 साल 21 साल के बच्चे को, है ना। हफ्ते में 5 दिन जाना है नौकरी पे, उसके अंदर भी ऑफिस में बथेरा टाइम मिलता है सीजीएल की तैयारी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सीएचएसएल से ज्वाइन कर लेना, सीएचएसएल का फॉर्म जरूर भरना, एमटीएस का फॉर्म जरूर भरना, वो पेपर आसान नहीं है, उन्हें देना, उसमें जो भी आपको हिट एंड ट्रायल करने कर लेना, सो दैट जब सीजीएल का पहली बार पेपर दो तो आप उसे एक बार में क्लियर कर लो। तो अभी के लिए आप ये मत सोचिए कि आपका सीजीएल नहीं है, आपका सीएचएसएल का पेपर 100% है इस साल में, और एमटीएस का भी पेपर है। यस सर। और बताएं सर, यही मुझे आप जीएस के लिए बता दीजिए, जीके वाला पोर्शन है मेरा, यही ऐसा पोर्शन है जो कि मुझे क्लियर नहीं रहता कि मैं कैसे करूं और कहां से। आपको बता दूं जीके के साथ क्या है, जीके बहुत रैंडम पूछा जाता है, लेकिन जीके के साथ ये है कि मिनिमम कुछ चीजें हैं जो करनी ही होती है। यानी वो आपने सुना होगा मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, बट अगर पैसा नहीं है तो दुख जरूर आप खरीद लोगे, है ना। पैसा है तो खुशी है नहीं है पक्का नहीं, बट पैसा नहीं है तो स्ट्रेस है। इसी तरीके कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगानी ही लगानी है, जैसे कि एक बार थ्योरी कोर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इतना करना है और बस पेपर देने चले जाना है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी में अभी हिस्ट्री का कोर्स जिसमें आप आए हैं ये चल रहा है, 30th of March से मैं आपको आपके लिए जो है साइंस का कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स से 3 चीजें लमसम 3 महीने में पूरा कराऊंगा, ठीक है। ये 4 चीजें हो गई पूरी, जो बची हुई चीजें हैं जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ये 3 चीजें जो है आप देख लेना। इसी कोर्स के अपडेट सेक्शन में मैंने एक पीडीएफ डाली है इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स के नाम से, उसके अंदर आपको पॉलिटी का ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को कॉपी करना पेस्ट करना और उस कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में लगाना स्टार्ट कर देना। यानी हिस्ट्री और पॉलिटी, बायो और ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और स्ट्रेटजी के, इस तरीके आप 2 कोर्सेस चला लेना, एक रिकॉर्डेड एक लाइव, इस तरीके आपकी जीके पूरी हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए रोज शाम 7 से 8 में आपसे मुलाकात करता हूँ स्पेशल क्लास में, ये 100% फ्री क्लास होती है, ये आप इस क्लास को लगाएं, इसमें मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराता हूँ, इतना मेरे हिसाब से काफी है। ओके सर, तो सर यही वाला टारगेट करना चाहिए ना जो भी सीएचएसएल आएगा 2023 वाला, परसेंटेज में बताओ 100%। आप मुझे दुआ दोगे जीवन में अगर आप ऐसा कर दोगे तो, अभी हो सकता है तो मैं सर उसे पूरा करूँ, जैसे कि अगर आप अभी कह दो कि भाई ये वाले 2 कोर्स आप कंप्लीट करके दिखाओ तो मैं सर जरूर कर दूँ। देखो मैंने आपके लिए क्या करा ना, मैंने आपको मोटिवेशन दे दिया एक तरीके का, जिसके लिए आप मेरे पास आए थे कि सर समझ ही नहीं आ रहा ये वाला अटेम्प्ट है नहीं है, तभी तो आपने यही तो सवाल कहा था ना कि सर कैसे मैं अपनी तैयारी में हूँ। मैंने आपको कह दिया आपका एग्जाम है सीजीएल की जगह, या तो सीजीएल प्लस सीएचएसएल है या ओनली सीएचएसएल है, एग्जाम तो है ना, अगर लुड़के तो भी कोई लॉस नहीं, आपको तो वैसे भी सीजीएल से नौकरी लेनी थी, लेकिन पूरे साल खाली तो नहीं बैठोगे, यही सेम तैयारी सीजीएल में भी काम आएगी, तो जल्दी पूरा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यस सर। चलिए हो गया आपका डाउट क्लियर? यस सर। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हिटमैन, पहली बात तो आपकी हिम्मत अच्छी है, आप इतने अटेम्प्ट के बाद भी डटे हुए हैं, आपको स्पेशल क्लास भी लगानी है, और साथ में पिछले महीने कोर्स कंप्लीट मैंने करा था आपके लिए प्रैक्टिस का,
प्लस पे उस कोर्स को भी लगाना है और करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है और स्कोर काफी ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि डेटा याद करने में दिक्कत है, ऊपर ऊपर से कोर्स को लगा लेना और डेटा याद करने में फर्क है, थोड़ा लिखकर डेटा को याद करें हिटमैन। जैसे आपको कांग्रेस के सेशंस याद नहीं हो रहे जब इतने साल से लगे हो, थोड़ा और एफर्ट लगाओ, उन्हें लिखकर याद करो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में? परफेक्ट, ये पूरे तरीके आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 100% लगता है घर पे आप पेपर नहीं क्लियर कर सकते तो बाहर जाके आप पढ़िए। मतलब देखिए सबको ना परफेक्ट मैं हर बात यहाँ पूछ नहीं सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है कि कैसी क्या सिचुएशन है ये आपके ऊपर है। सजेशन यही है कि आप खुद इस बारे में फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है घर पे, आप देखिए घर पे सुख ये होता है कि सब चीज़ें मिल जाती हैं घर पे, लेकिन स्ट्रेस ये होता है कि घर का आप एक हिस्सा होते हैं तो आपको समय देना पड़ता है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि पहले तो ये कोशिश करिए अगर आपके खुद के शहर में कोई लाइब्रेरी वगैरह हो तो उससे कहना शाम को आप घर आ जाओगे, किसी दूसरे शहर जाओगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, पीजी लोगे, खाने की समस्या। उससे बढ़िया ये है कि सुबह सुबह घर से निकल गए लाइब्रेरी के लिए, लंच वगैरह घर से पैक करा लिया और शाम को घर आ गए, उससे जो पढ़ना है वो भी पूरा हो जाएगा और आपको रात को सोने की भी स्ट्रेस जो है मेरे हिसाब से नहीं होगा। इफ पॉसिबल सेम शहर में रह के तैयारी करें, इफ नॉट पॉसिबल देन आपका कॉल है। अंकित, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, वो एक क्लास 21 मार्च वाली अगर आप क्लास की बात कर रहे हैं तो उसके नोट्स आपको 1 से 2 दिन में दे दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया रहते। बंगाली स्पेशल क्लास संडे को छोड़ के डेली होती है शाम 7 से 8 बजे। वन लाइनर बेस्ट रहेंगे शिव, क्वेश्चन का मेन मुद्दे की बात जो मैं लिखता हूँ वो और करेक्ट आंसर, बस पूरा पूरा नोट्स बनाना है का समय भी नहीं है। मेरे हिसाब से प्रिया आप इस इतने इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप अधिकतर पेपर क्लियर कर लेंगे, आप एसएससी का इधर उधर का जो एग्जाम चुनेंगे वो क्लियर हो जाना चाहिए। शायद आपने अपने रेफरेंस लिख लिया होगा। जय रिद्धि का वो सवाल है जो रिद्धि कह रही थी, और भी पेज हैं शायद मैं देख लेता हूँ। यस अंकित, कुछ टेक्निकल इशू था बेटा, ये ना मुझे विजिबल नहीं है, आप जैसे देख पा रहे हैं तो है ना, दूसरे वाले को मैं ट्राई करता हूँ, विजिबल नहीं है बेटा बिल्कुल भी। बेटा ये कंटेंट आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा रिद्धि, बिकॉज ये अलग मतलब बिल्कुल अलग डोमेन है, ऐसा एसएससी में नहीं पूछा जाता। जितने सवाल मेन मेन पढ़ पाए हूँ उसके हिसाब से ये कंटेंट आपको सेल्फी प्रिपेयर जो है करना पड़ेगा। अनिर्वाण, मेरे हिसाब से मल्टीपल टाइम्स रीड करके लिख लेने से याद रहता है, आप एक दो बार लिख लेंगे चीजों को तो आपको याद होगा। देखिए वो जो स्कूल लेवल की बातें हैं ना वो एक्चुअली काम करती हैं, बच्चे को अब लगता है उस पर समय नहीं है, वो 3 बार वही बात पढ़ लेता है, उससे बढ़िया वो एक बार पढ़ के एक बार लिख लेगा तो उसे अच्छे से याद हो जाएगा। समझा नहीं अविवेक, या तो इस शब्द का मतलब मुझे नहीं पता, फील के बाद वाला, या आपने कुछ टाइपिंग में मिस्टेक करी है, एक बार दोबारा बताओ। बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हैं भैया। एक बार दोबारा भेजना होगा बेटा राजेश आपको, दोनों अलग अलग फ्रीज भेजो आप मुझे, कल की क्लास में भेज देना, कोई बात नहीं है। ऑफिशियल सरकारी साइट पे जाइए .gov.in वाली, वहां पर आपको मिल जाएगा डेटा, वहां से आप रेफर कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। विवेक पता नहीं है मेरे लिए है, आप आपस में कुछ बात कर रहे थे। ठीक है आशुतोष, वैसे तो मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ, मैं बाकी फिर भी और लिखवा दूंगा एंड में आता कुछ करके।
विवेक, सच बोलूं तो उसकी नीड नहीं है, आप बस अपना कंटेंट पूरा करते चले, प्रैक्टिस करते रहिए, इतना काफी है। जरूरी नहीं है वो स्ट्रेस हम महसूस करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, आप बस अपनी मेहनत खुद करिए, अपने आप को बस अपने आप से कंप्लीट कीजिए, बस काम बन जाएगा। जी हाँ, आप एलिजिबल होंगे नितिन, बाकी ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन में क्या डेट को लिख के देता है, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं अपनी तरफ से डाउट्स जो है लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सजेशन, ऑफिशियल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रिवाइज कीजिए, यानी एक सब्जेक्ट पूरा होने के बाद दूसरे की तरफ चलिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51 है, वो 10-11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्या फर्क है, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 33 आर्टिकल 34 में क्या फर्क है। आप समझ रहे हैं, रिवीजन का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके पढ़ना है और उसे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलाइए, ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। मनीषा यानी आकाश, देखिए हिस्ट्री पहली बात थोड़ी मुश्किल है ना, और थोड़ी डिटेल्ड है, थोड़ी लंबी है। और एक चीज़ और आकाश हमें समझनी होगी कि जरूरी नहीं हमारा जो इंटरेस्ट हो हर सब्जेक्ट में बराबर हो, तो कभी कभार क्या होता है कि एक सब्जेक्ट हमें ज्यादा समझ में आता है, एक सब्जेक्ट हमें कम समझ में आता है। इट इज टोटली फाइन, इट इज टोटली ओके, है ना। तो भले ही हल्का सा कम आपको फ्लो बन रहा है तो भी आप इसे याद करिए, पढ़िए, टिक करिए, आगे पढ़िए, बस इतना सा। ऋतिक, आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें एक डेट लिखी होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आगे, दैट द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिफोर, ये एक डेट होगी। अगर उससे पहले आपके रिजल्ट आ चुका है, आपकी मार्कशीट या जो आपका सर्टिफिकेट है, डिग्री जिसे आप कहते हैं, उस पर अगर वो उससे पहले का डेट लिखा है तो आप ओके हैं, वरना आप नॉट ओके हैं। रिकॉर्डेड में कंप्लीट हो गया। आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में से कुछ भी लगा सकते हो आकाश, अगर इनमें से कोई चूज करना है तो आप ज्योग्राफी लगा लो, ज्योग्राफी से स्टैटिक में भी थोड़ी मदद हो जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ रितिका, अभी के लिए टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एमईए की कट ऑफ जनरली सबसे ज्यादा जाती है, जैसे अभी तक पिछले साल तक 700 में से पेपर बनता था, तो पिछले साल कट ऑफ गई थी 602, अभी जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया 602 कट ऑफ गई थी, एंड अब उम्मीद है कि इस बार जैसे 390 का पेपर हो रहा है तो 330 क्या 340 के आसपास वो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, हो सकता है स्लाइटली इससे ऊपर चली जाए। बट अगर आप ऐसे सोच के पेपर देंगे तो वो स्ट्रेस रहेगा हमेशा। अभी के लिए रितिका, क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, प्री के नंबर बिल्कुल भी ऐड नहीं होते, इट इज अ नॉर्मल पोस्ट जिसमें मेंस का जो 390 में से स्कोर है उसके बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगी। अभी के लिए टारगेट होना चाहिए अच्छे से सब चीजों को तैयार करना, परफेक्शन लाना, ऑटोमेटिकली आप एमबीए लायक बन जाएंगे। होना थोड़ा सा आप डिटेल में मुझे अपना सवाल भेजिएगा, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा मैं आपके और उस केस में मदद कर पाऊंगा। आप क्या समझना चाहते हैं, किस सिचुएशन में है, थोड़ा सा और डिटेल में भेजिएगा। गुड इवनिंग हरी, डोंट वरी, वो जो नोट्स का इशू है वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा हरी, आप चिंता ना करें, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप 1-2 दिन का, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। वाह भैया, बहुत अच्छे नोट्स आप बना रहे हैं, विश्वास मानिए मेरा, एक बार हिस्ट्री पढ़ ली ना, और अगर उम्र उम्र ने साथ दिया, समय से सेट हो गए, तो धीरे धीरे एक बार जिंदगी में क्या होता है ना, जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यूपीएससी बहुत बड़ा नहीं लगता। आई एम नॉट सेइंग यूपीएससी की तैयारी में लग जाओ, स्टेट पीसीएस की तैयारी में लग जाओ, एक बार जब ढंग से चीज़ें समझ में आ जाए ना, तब एक बार इंसान जब सिलेक्ट हो जाता है कहता है यार वाई नॉट, होने वो क्या है। तो बस फटाफट से एसएससी को क्लियर कीजिए और सपना देखिए बड़ा, कौन रोक रहा है आपको। ये ऋतिका आपका डाउट क्लियर कर दिया है, कोई भी कैसी भी किताब नहीं खरीदनी है, शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए आप, जो मैं आपको स्पेशल प्लस में प्रैक्टिस क्लासेस देता हूँ, दैट इज ऑल। बाकी प्लस के कोर्सेज से आपका कंटेंट बनी रहा है, इतना काफी है। काफी सारे डाउट्स मैंने खींच तो दिए हैं स्पीड बढ़ा के, फिर भी अभी कुछ बच गए हैं, वो कल की क्लास में लूंगा। आखिरी डाउट है, जो जानना चाहे जा सकता है। ऑफिशियल ये थोड़ा लंबा सवाल है, कल आप मुझे भेजो इसे, कल की किसी क्लास में भेजो, मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा बॉन्ड डिवेंचर ये सब क्या होता है, ठीक है। चलिए, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बट लेट्स टेक केयर, गुड बाय। कल सुबह 10 बजे मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। आपको सुमित मेरी क्लासेस के लिए अन अकेडमी पर प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना होगा, तब आपको मेरी क्लासेस जो मिल पाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बट लेट्स टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। स्पेशल क्लासेस आप कल परसों से स्टार्ट कीजिए निर्माण।